जाट राजा सूरजमल की पत्नी रानी पद्मिनी देवी, सदाशिवराव भाऊ की विधवा पार्वती बाई और दूसरे मराठा सरदारों की स्त्रियों को मराठवाड़ा राज्य की सीमा तक सुरक्षित पहुंचाकर बड़े दुखी मन से विदा होने लगती हैं। तभी पार्वती बाई उनके साथ बहन का रिश्ता जोड़ लेती हैं और उन्हें पुणे आने का निमंत्रण देती हैं। उधर अब्दाली अपने लश्कर के साथ पानीपत से चलकर दिल्ली में अपना दरबार लगाने के लिए दाखिल होता है। बरखुरदार खां शुजाउद्दौला को एक बड़ी रकम के बदले यह खबर देता है कि नजीब खां उसको कत्ल कर देना चाहता है, इस डर से कि कहीं पेशवा खुश होकर शुजाउद्दौला को दिल्ली का वजीर आजम न बना दे, और बरखुरदार खां शुजाउद्दौला को दिल्ली के दरबार में न आने का मशवरा देता है। दिल्ली में अब्दाली के दरबार में उसकी काबुल वापसी के ऐलान के साथ उसका फरमान भी पढ़ा जाता है, जिसके मुताबिक नजीब खां को मीर बख्शी और अब्दाली के नुमाइंदे का ओहदा अता किया जाता है। वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले नजीब खां के दिल को इस ऐलान से बड़ा धक्का लगता है। जब नजीब खां अब्दाली से इस नाइंसाफी की शिकायत करता है तो अब्दाली उसे अपने वतन के साथ हमेशा वफादार रहने की नसीहत करता है। अवध पहुंचकर शुजाउद्दौला अपनी वालिदा सदरुन्निसा को बताता है कि नजीब खां उसको कत्ल कर देना चाहता था, जबकि उसने अपनी वालिदा की बात न मानकर नजीब ही के कहने पर अब्दाली की मदद भी की थी, और जब वो अपने किए पर पछतावा जाहिर करता है तो सदरुन्निसा उसे माफ कर देती है। महाजी राने खां और पांडव बात्रे के साथ जब अपने पड़ाव का मुआयना करते हैं तो जगह जगह गंदगी देखकर और जानवरों को साफ सुथरा ना पाकर वो सख्त नाराज होते हैं। वो अपनी छावनी और जानवरों की सफाई का और अपने सिपाहियों को सलीके से रहने का हुक्म देते हैं। महाजी की परेशान हाल पत्नी जमनाबाई एक बार फिर जब मंसूर शाह बाबा के पास महाजी का हाल मालूम करने जाती हैं, तब वो उसे सफेद लिबास पहने देखकर सख्त नाराज होते हैं। वो उसे महाजी के जिंदा और सलामत होने का यकीन दिलाकर उसकी आस बनाए रखते हैं और उसे सुहागन का लिबास पहनने का हुक्म देते हैं। बहुत मेहनत, कोशिश और अभ्यास के बाद जब महाजी एक नया लश्कर तैयार करके श्रीमंत पेशवाजी महाराज की सेवा में पेश करना चाहते हैं, और जब वो इस बात का ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द पेशवाजी महाराज से मुलाकात करने उज्जैन की तरफ कूच किया जाएगा, तो सारा पड़ाव श्रीमंत पेशवाजी की जय जयकार से गूंज उठता है। अब्दाली के बेटे तैमूर को हिंदुस्तान से भगाया, अफगानिस्तान में अटक पर अपना झंडा फहराया। ये कैसे हुआ? बुरारी घाट और पानीपत में कैसे हरा हमारा लाखों का लश्कर, जिसके सेनापति हमारे भाऊ और विश्वास राव थे? किसने उन्हें हरवाया? किसने संहार करवाया? श्रीमान, आप शांत रहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो अब कभी नहीं रहेगा, हमारा सिर कभी नहीं उठेगा, हम कभी नहीं मुंह दिखा सकेंगे कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव जी के नामों को पट्टा लगाया। अपना जरी पटका अफगानी अब्दाली के पैरों तले रौंदवाया, ये किसने किया? किसने? श्रीमंत, अभी पता नहीं चला, पानीपत के पूरे हालात मालूम नहीं हुए। नहीं मालूम है तुम्हें? गूंगे हो, बहरे हो, अंधे हो? जनार्दन ने जो बताया तुमने नहीं सुना? किसने नहीं सुना, बोलो, हमें बताओ। श्रीमंत, हम सब ने सुना, सब कुछ सुना,
हम सब की गर्दनें झुकी हैं, पर आप शांत रहें। सन्यासी हैं, बैरागी हैं, या उनकी तरफ बुजदिल है जिन्होंने हमारे बेटे हमारे भाई की हत्या करवाई? अरे हमने क्या नहीं किया अपने सरदारों के लिए? इंदौर ग्वालियर की जागीरें दी, सरदारों के खिताब दिए, राजा महाराजाओं जैसे ठाट दिए, किस लिए? कि वे सेना खड़ी करें, पेशवा राज और मुगलों की हिफाजत के लिए आगे आए, और वे पुस्तिल बन गए। उनकी मदद के लिए विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ को भेजा, उनके उनके सर कटवा दिए। उनकी मदद को हम क्यों चाहे, क्यों दिल्ली जाए? अब हम आगे नहीं जाएंगे, उज्जैन जाएंगे। टांग में अब दर्द नहीं है, बस जरा घोड़े से चढ़ते और उतरते वक्त होता है। वैसे अब मैं घोड़े पर चढ़ सकता हूँ। आप सवारी कर रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि आपके पांव में दर्द है। जब आप बैल पर बैठते थे तो कहते थे मैं बैल पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप जब कुछ ठान लेते हैं तो कर ही लेते हैं महाराज। यानी अब हम पेशवा जी से मिलने जा सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें अपना ये लश्कर भी दिखा सकते हैं। क्यों नहीं महाराज, जब मैं जिंग्या को निहराने ले जाता हूँ तो सारे अपने अपने ऊंट और घोड़े ले आते हैं, अस्तबल भी अलग अलग कर दिए हैं, खेमे हैं, तो अगले पड़ाव में वो भी एक सीध में लगा लेंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं है? अच्छा तो है महाराज, पर देर लगती है। अब आप देखिए ना, आपकी टांग को भी ठीक होने में कितनी देर लगी, इसीलिए किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पांडोबा, देखा आपने हमें डांटने और समझाने का कैसा ठंडा तरीका निकाला है राने खान ने। हमें भी समझा रहे थे एक दिन। अच्छा, कि मशक से पानी ऐसे छिड़कते हैं ताकि मिट्टी जम जाए, उड़े नहीं। पांडोबा जी, मैंने ये सब जिंग्या से सीखा है कि जल्दबाजी मत करो, खाकर पचाने के लिए धीरे धीरे उसकी जुगाली करते रहो, तभी तो उसका सत निकलता है। तो अब पता चला कि शिवजी महाराज को नंदी बैल की सवारी इतनी क्यों पसंद है। महाराज की जय हो। महाराज, पेशवा जी की खबर लेने जो सवार भेजा था वो आ गया है। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए? पेशवा जी महाराज का लश्कर वापस चला गया। क्या? लेकिन लेकिन क्यों? सुना है पानीपत की सारी खबरें जनार्दन जी ने महाराज को दे दी हैं। गुस्से में उन्होंने आगे जाने की बजाय लौटने का हुक्म दिया है। हो, श्रीमंत ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? शायद उन्हें दुख पहुंचा होगा और गुस्सा भी आया होगा। हाँ, पर हमारा तो मौका छिन गया कलंक धोने का। उन्हें अपना लश्कर दिखाते
उनसे माफी लेते, उनके साथ दिल्ली लड़ने जाते, जीत कराते और अपना मान हासिल करते, लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया। उन्होंने सोचा होगा अब दिल्ली में क्या है, सब कुछ अब्दाली के हाथ में चला गया। अरे नहीं पांडोबा, कुछ नहीं गया, अब्दाली तो कल चला जाएगा और वो नजीब अकेला रह जाएगा। दिल्ली के तख्त पर न बादशाह होगा और न वजीर। हमारी ताजादम फौज नजीब की थकी हुई फौज को हरा सकती है। दिल्ली ही नहीं, सारे इलाके हमारे हो सकते हैं। श्रीमंत ने यह क्या किया, क्यों किया? ज्ञानी दानी प्रजापालक गोपालक राज राजेश्वर राव श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव दरबार में पधार रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पुणे से बाहर कभी पेशवा का दरबार हो, लेकिन यह बहुत गंभीर मौका है जबकि तारीख में मराठों के नाम पर ऐसा धब्बा लगा है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। आज हम अपने महापुरखों छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव के पुण्य आत्माओं से शर्मिंदा है। हम जानते हैं कि पानीपत की ये हार कायरता से नहीं हुई है, गद्दारी से हुई है। गद्दारी से। जो सरदार लड़ाई में नहीं लड़ते हैं, कायरों की तरफ पीछे हटते हैं, वो गद्दार होते हैं और उनकी सजा मौत होती है। जो हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें उल्टा लटकाकर लश्कर को सबक दिया जाता है, लेकिन यह हमारा दस्तूर नहीं है। हमारे पुरखे ऐसों का सब कुछ जब्त कर लेते थे जो उन्हें देते थे, सांझा खिताब मनसब जागीरें और चौथ वसूल करने का हक। दिल्ली में हमारे सफीर नारोशंकर एक गोली चलने से पहले फरार हो गए, हम उन्हें बर्खास्त करते हैं। मल्लारा होलकर जो मैदानी जंग छोड़कर भाग आए, उनकी सुबेदारी सरंजाम खिताबात सब जब्त। और माजी सिंधिया कहां है, 3 महीने से कहां छिपा बैठा है? उसके 4 भाई जिन्होंने पेशवा राज और अपने पिता राणोजी सिंधिया का सर ऊंचा किया, और वो 5वां महाजी हमसे चाल चल रहा है कि हम पुणे लौट जाएं और वो चुपचाप आकर सिंधिया संपत्ति
और सुबेदारी का मालिक बन बैठे? नहीं, नहीं मानते हम उसे वारिस। नहीं मिलेगी उसे सिंधिया की सुबेदारी पदवी, संपत्ति। गद्दार है वो, और जब तक वो हाजिर नहीं होता, सफाई नहीं देता, हम मानते रहेंगे वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। नहीं! 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 ये गलत है, ये इल्जाम है मेरे बेटे पर, मैं कभी नहीं मान सकती। रामजी महाराज का पांचवा बेटा, मेरी कोख का जना गद्दार नहीं हो सकता। वो लड़ा है, बाला जनार्दन ने खुद उसे देखा है जानकू जी के साथ। वो घायल हो सकता है, बंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर गद्दार नहीं। अंदर जाओ चिमना भाई। अंदर नहीं जाऊंगी। आपने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया है, कहा कि छुपा बैठा है वो। क्या वो जयद्रथ है जिसने किसी अभिमन्यु की हत्या की है? क्या कारण है जो आप इसे वारिस नहीं मानेंगे? क्या ये कोई इंसाफ है कि आप क्रोध में जो चाहे कहें मैं उसे सही मान लूं और खून के घूंट पीती रहूं? स्त्रियां जनाने में रहती हैं, मर्दाने में नहीं आती। वो आती है जब मर्दाने में बैठकर मर्द औरतों के साथ अन्याय करते हैं। मेरे चार बेटे रहे नहीं, पांचवा लौट कर आया नहीं, और यहां आज बैठकर जब वो मौजूद नहीं, उसकी किस्मत का फैसला किया जा रहा है। मेरे सामने कहा जा रहा है कि उसे वारिस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं जो मराठ वादे की नहीं, किसी दूसरी जाति की हूं। कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है जात पात। औरत की जात बदल जाती है, उसका गोत्र बदल जाता है। जब एक मर्द उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है, मुझसे जन्मी संतान सिंधिया ही है। धरती में जब गेहूं का दाना डाला जाता है तो उससे गेहूं ही पैदा होता है, जाओ नहीं। इस समय अंदर जाओ, वक्त आने पर देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं दिखता है मर्दों को। पानीपत की कितनी विधवाएं बैठी हैं, उनके आंसू पोंछने के बजाय और सिंधिया परिवार को तसल्ली देने के बजाय उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि उनका एक बेटा बच गया है। क्यों ना जाने कहां किस हाल में पड़ा होगा। अरे जागीरें लेनी और सजा देनी है तो उनको दो जो युद्ध में लेकर गए थे और सबको मरवा दिया, सबको मरवा दिया। ये नाइंसाफी है। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, अपने बेटे के लिए लड़ूंगी। इंसाफ के लिए मैं हमेशा आवाज उठाऊंगी, हमेशा आवाज उठाऊंगी, हमेशा आवाज उठाऊंगी। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह दिया तुमने? तुमने पेशवा से बदतमीजी की है और वहां उनकी शान में भरे दरबार में तुम कहीं की नहीं रहोगी। पेशवा जी तुम्हें देश निकाला दे देंगे। तुम सब मर्दों से डरती रही हो इसलिए तुम्हें देश निकाला मिलता रहा है, इसीलिए तुम्हारे लफकुश भटकते रहे हैं। लेकिन मैं भटकने नहीं दूंगी। मेरे बेटे को एक चोट किस्मत ने दी है कि उसका पता नहीं है, और ये है कि महात को सजा दे रहे हैं, उसे सजा दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, आपके बेटे महात जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं अहिल्या हूं, होलकर महाराज की अभागम पुत्रवत हूं।
होलकर जी भी नहीं आए हैं, वो आएंगे, महाजी भी आएंगे। पेशवा जी क्रोध में हैं, शोक से टूटे हैं, शांत होंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। श्रीमंत पेशवाजी महाराज का हुक्म है, महाजी सिंधिया की विरासत खत्म कर दी गई है। उनके सेनापति सूबेदारी के खिताबात मंसूख कर दिए गए हैं, उनके इख्तियारात खत्म। ये हुक्म जारी रहेगा जब तक श्रीमंत पेशवा दूसरा हुक्म ना दे दे। सुनो सुनो सुनो, श्रीमंत पेशवा जी महाराज। अब मेरे पैसों का क्या होगा? मुझे भी मेरे कर्जे की चिंता हो गई है। चलो देखते हैं हुंडिया देख के महाजी सिंधिया क्या कहते हैं। चलिए। सेनापति सूबेदारी के खिताबात मंसूख कर दिए गए हैं, उनके इख्तियारात खत्म। ये हुक्म जारी रहेगा जब तक श्रीमंत पेशवाजी महाराज दूसरा हुक्म ना दे दे। सुनो सुनो सुनो। देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आपने इतना कहा फिर भी हमारी जागीर जब्त कर ली। उनको वारिस नहीं माना जा रहा। पिटा ले, ढिंढोरा पीटा ले, मुनादी करा दे अपनी हार छुपाने के लिए और अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए हम पर इल्जाम धर दे, लेकिन सूरज निकलेगा, माया का पर्दा हटेगा और मेरा बेटा तेरा पति आएगा। उसके साथ वो ढोलताशे होंगे कि इस ढिंढोरे का मुंह पिट जाएगा। वो मेरे महात को भगोड़ा कह रहे, बिल्कुल वैसे जैसे कृष्ण जी महाराज को रण छोड़ कहा गया था। उन्होंने रण नहीं छोड़ा, रणनीति अपनाई। मेरा बेटा जिस द्वारका में भी है आएगा जरूर। अपने और परायों में जितने कंस है उन्हें मारेगा और काली देह में जितने सांप हैं उनका नाश करके ऐसे उभरेगा जैसे कृष्ण जी महाराज शेषनाग के सर पर आए थे। ये उज्जैन वाले भी देखेंगे और पुणे वाले भी। जी महाराज हम उज्जैन पहुंच गए। यही है उज्जैन की पुण्य नगरी जिसे हमारे स्वर्गीय पिता रानू जी महाराज ने बनाया। यही हमारी पुश्तैनी हवेली। इस नगरी का हमारा नाम। हमने चाहा था कि श्रीमंत पेशवा जी महाराज को अपना लश्कर दिखाते और उनके साथ दिल्ली विजय करने जाते,
लेकिन हमारे भाग्य में तो हमारी भूमि के दर्शन। राने खान देखो, यही है सिंधिया नगरी। Thank you.
चलो मैं मां से मिलकर आता हूं। खबर क्यों नहीं दी? मैं आ गया मां, यही बहुत है। और तुम्हारे भाई कहां है? लड़ाई में तुम्हारे सब बेटों ने सिंधिया खानदान का नाम ऊंचा ही किया है मां, वो सब लौट तो ना सके, पर मैं अकेला नहीं आया हूं। तुम्हारे लिए एक बेटा और अपने लिए एक भाई लाया हूं। भाई? हाँ मां, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूं। आओ। ये है आपका बेटा और मेरा भाई। अपनी मां के चरण छू, राने खान नाम है इसका। क्या हुआ मां? नाम क्या बताया? मां, इसने मुझे बचाया है, मेरी तीमारदारी की है, मुझे मरने नहीं दिया। इसी की वजह से आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है मां, और इसने मुझे वो चीज दी है जिनके प्रताप से बचकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। रानी खान, मां को वो चीज लौटा दो। शिव कवच जो मैंने दिया था? हाँ मां, वही जो तुमने दिया था। राने खान ने इन्हें बचाया है। मैं तो वहां जख्मी पड़ा था, मुझे तो होश भी नहीं था। इसने मुझे बचाया और शिव कवच को उठाकर हिफाजत से अपने पास रख लिया। ये चाहता तो इन्हें लेकर भाग सकता था, इन्हें भेज सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया मां, ऐसा नहीं किया। जीते रहो बेटे, मुझे क्षमा कर दो। आयुष्मान भव। क्या हुआ? मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि आप आ गए। मैं आ गया हूं चंदा, मैं आ गया हूं। इतने महीनों से जो मैं आपके आने के सपने देख रही थी वो आज पूरे हुए। मैं तो जीते जागते आप ही के सपने देखती थी, सूर्य नमस्कार करती थी तो आप ही दिखाई देते थे, चांद सितारों पर नजर डालती तो आप ही को देखते, फूल पत्तियों में, भगवान की मूर्ति में। मैं समझता हूं चंदा,
लेकिन मैं क्या करता, वीरता के फर्ज ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। कहां तलवारों की छांव और कहां तुम्हारे पलकों की छांव। यह तो एक चमत्कार था जो मैं पानीपत से बच निकला। माताजी की और तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे नई जिंदगी दी है। अब आप कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जमना, मैं सिर्फ एक पति ही नहीं, एक सेनापति भी हूं। गालोजी सिंधिया का पुत्र हूं, दत्ताजी सिंधिया का भाई हूं। मेरा सर हर वक्त मेरी हथेली पर रहता है। मेरा जीवन मेरा नहीं है, यह तो मराठा रियासत की और श्रीमंत पेशवा की अमानत है। तुम्हारा हक मुझ पर जरूर है और इसमें मैं कभी कोई कमी आने नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारे पास रहूं या तुमसे दूर। मैं वादा करता हूं कि तुमसे मेरा प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। माँ जी प्रणाम। जीती रहो। तुमने महात को बताया तो नहीं उसके पिता की विरासत जब्त हो गई है? नहीं, आप ही ने तो मना किया था। अब बताना होगा, अभी दो साहूकार आए हैं। क्यों? अपना कर्ज लेने। उन्होंने पेशवा का ऐलान सुन लिया है। तुम जाओ उसे उठा दो, मैं आती हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। ये ज्यादती है। भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि हमारी विरासत छीन लेंगे। मैंने भी उन्हें अच्छा जवाब दिया बेटे, कहा कि मेरा बेटा गद्दार नहीं है, सिंधिया है, अपने पिता रानू जी महाराज का वारिस है। आखिर आप मेरी मां है, आपने हक के लिए आवाज उठाई जिसे कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं। श्रीमंत पेशवा एक बार फिर सोचेंगे और जरूर कुछ करेंगे। तुम्हें मेरा आदेश है बेटे, अपना हक लेकर रहना। नमस्कार। बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? सुना है हम पर आपका कर्ज है। आप पर नहीं, आपने कोई कर्ज नहीं लिया, पर दत्ताजी महाराज उन्होंने हुंडी पर कर्ज लिया था। हुंडी तो कब की हो गई, ब्याज मिलाकर 7,02,000। दिखाइए। ये लीजिए महाराज। लाला जी आपका भी कुछ है? जी सिंधिया जी महाराज। ₹2,68,000 मैनाबाई सरकार ने लिए। उंडिया तो सही है, हम सिंधिया परिवार के वारिस हैं, हम स्वीकार करते हैं।
आप लोगों ने पेशवाजी महाराज का हुक्म सुन लिया होगा, लेकिन वो बदल जाएगा। अब हम आ गए हैं, लेकिन कब? ये आप पर मुनहसर है। जितनी जल्दी आप हमें और कर्ज देंगे, हम ये कर्ज भी चुका देंगे, और वो भी। आपको और कर्ज चाहिए? जी हां, आप साहूकार हैं। जब तक कर्ज की अदायगी नहीं होती, आप मौका देते हैं। मौका? हां, चुकाने का। हम इस वक्त आपका कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन लिख कर दे सकते हैं कि हम आपका यह कर्ज भी चुकाएंगे, और वो भी जो आप अब हमें देंगे। आप पहले भी देते आए हैं। तब की बात और थी। हमने सिंधिया सरकार, सेनापति, सूबेदार, आपने सुनी लिया है कि पेशवाजी महाराज ने जागीर जब्त कर ली है। अब कर्ज की जमानत का क्या होगा? पेशवाजी महाराज जागीर वापस कर देंगे, और तभी मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा। साहूकार कर्ज डूबने नहीं देते, और कर्ज देते हैं ताकि अगला पिछला सब वापस मिल जाए। पेशवाजी ने होलकर जी महाराज की जागीर जब्त कर ली, इसीलिए हमारी भी जब्त कर ली। लेकिन मैं पानीपत में लड़ा हूं, सब गवाह है। मेरी सूबेदारी, मेरी जागीर सब वापस मिल जाएगी। और कितना चाहिए? 2 लाख। अपने लिए नहीं, लश्कर के लिए। मैं पुणे जाकर दिखाऊंगा कि मेरे पास 1000 सिपाही हैं और 300 घोड़ों का लश्कर है। कब तक वापस करेंगे? बस जितना वक्त पुणे जाने और वापस आने में लगेगा, और कोशिश करूंगा कि जमानत के लिए भी आपको कुछ दे सकूं। तो फिर ठीक है, 1 हफ्ते में। अच्छा, आप यहां अकेले आ गए? वहां सब आपको ढूंढ रहे हैं। अब क्या ढूंढना राने खान, हमारा नामो निशान, पता अब है कहां। आदमी कुछ का कुछ समझ लेता है, पेशवाजी महाराज से ऐसे ही हुआ है। हुआ नहीं राने खान, किया, जानबूझकर किया। दुश्मनी निकाली है मेरे साथ। यही है दुश्मनी। क्या होती है? जो समझा सच समझ लिया, जो सच है वो नहीं जाना। नशा है ताकत का, कसूर दूसरों का है, अपना नहीं। दूसरों का क्या, अपना भी चला गया, भाई भी, बेटा भी, सगे संबंधी भी, और नाम भी। अब आप अपनों को ही ले लीजिए, उनके साथ भी यही हो रहा है। किनके साथ?
जो आपके लश्कर में है, आपके झंडे तले इकट्ठे हुए हैं कि आप सिंधिया सरदार हैं, नौकरी मिल जाएगी, लड़ाई पर जाएंगे, वहां कुछ हाथ लगेगा, पर यहां अगर मालूम हुआ कुछ नहीं, जाने की सोच रहे हैं महाराज? विचार रहे हैं जी, आप तो कुछ दे नहीं सकते, इसीलिए वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं नहीं रानी खान, उन्हें रोक लो, श्रीमंत ने हमारी जागीर हमेशा के लिए नहीं छीनी है, सफाई मांगी है, एक दिन सब कुछ हमें मिल जाएगा, सब कुछ। उनका हमारे साथ रहना जरूरी है रानी खान, हम उन्हें पुणे लेकर जाएंगे अपनी ताकत दिखाने। महाराज, बैल को चारा और दाना ना दिखाई दे तो वो खूंटा उखाड़ कर चल देता है, और अगर चारा और दाना दिखाई दे तो वापस आ जाता है। रेवाड़ी में इसलिए रुक गए कि आपकी अशर्फियां जो मेरे पास थी मिल गई। अगर हम कहीं से रुपयों का इंतजाम कर दें तो क्या वो रुक जाएंगे? क्यों नहीं, तो आओ मेरे साथ। कहां? चलो तो सही। महाराज, आप लश्कर वालों से बात ना करें, क्योंकि आप सरदार हैं। उनसे तुम बात करना, हम किसी और से बात करेंगे। जी बहुत अच्छा, आओ। नमस्कार। आपके पैर में कुछ तकलीफ है क्या? कुछ दिन पहले तो आप ठीक थे। आप लोग बैठिए, पानीपत में जो घाव मेरे पैर पर लगा था वो पूरी तरह भरा नहीं है, कभी कभी तकलीफ उभर आती है। कहिए, आप लोगों ने मेरा काम किया? जी हाँ, इसमें 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख मेरी तरफ से और 1 लाख लाला जी की तरफ से। कृपा करके इन दोनों हुंडियों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा, ये लीजिए। धन्यवाद। अब आप यहाँ से पुणे के लिए कब प्रस्थान करेंगे? जल्दी से जल्दी, कोई 1 हफ्ते बाद। बात यह है गुप्ता जी, पेशवा दरबार में पहले दूत भेजना होगा कि हम हाजिर होना चाहते हैं, फिर जब वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तोहफे भी भेजने होंगे, हफ्ता 2 हफ्ता तो लग जाएगा और ज्यादा भी लग सकता है। श्रीमंत के दरबार में जाने की जल्दी आपसे ज्यादा हमें। नमस्कार। मैं सेनापति श्री महाजी सिंधिया का दूत हूं, उनकी ओर से श्रीमंत पेशवाजी महाराज की सेवा में हाजिर होने की इजाजत चाहता हूं। जरा जल्दी खबर करवाइए। आप यहां इंतजार कीजिए, मैं खबर करवाता हूं। कितनी देर लग सकती है? यह हम कैसे कह सकते हैं, जब भी दादा साहब राघोबा की मर्जी होगी हम आपको बुला लेंगे। दादा साहब राघोबा? लेकिन हमें तो श्रीमंत से भेंट करनी है। श्रीमंत से कोई भेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बीमार है। आप दादा साहब राघवा से मिल लीजिए, वो ही सारे कामकाज की देखभाल करते हैं।
अरे जल्दी करो, उस बुढ़े पेशवा की मौत कभी भी हो सकती है। मेरे भाई है वो, पूरे 50 के हैं। उन्हें कोई खानदानी बीमारी है। और सुनो, किसी की मौत के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो कैसी बात करूं? अब्दाली के बेटे तैमूर को लाहौर से खदेड़ा तुमने, अटक पर झंडा लहराया तुमने, और अब्दाली को भगाने भेज दिया अपने भाऊ और बेटे को, ये इल्जाम लगाकर कि लड़ाई में खजाना खाली कर दिया। वाह, जो जीता तुमने छिनवा दिया और पानीपत में कटवा दिया सबको। ऐसे तुम्हारे भाई की मौत में मांगू तो क्या मांगू? लेकिन उनके वसीयतनामे के मुताबिक वारिस तो मैं हूँ। जब तक उनका बेटा माधवराव 21 साल का नहीं हो जाता, सारी पेशवाई का काम 5 साल तक मैं देखूंगा। ये चूड़ियां पहन लो और ये तलवार मुझे दे दो। अरे नहीं। अरे पेशवा तुमको बनना था, जिसने मराठों का राज अटक तक फैलाया और बना दिया अपने उस 16 साल के छोरे को। मुझे निकली नहीं अभी और दंदनाता फिरता है अरबी घोड़े पर, और तुम खुश हो कि अब 5 साल तक उसके तलवे चाटोगे। सर बटोरे हैं मैंने मैदाने जंग में। तो अब यहाँ खड़े खड़े मत सजे रहो, जाओ। जाते जाते वो सेठी आया है, वो कुछ ऐसा ना कर जाए कि फिर पलट कर तुम्हारी तरफ कोई मुंह न करे। इस हाल में वो हैं, क्या कर सकते हैं? पानीपत और दीप और न जाने कहां कहां की झक मारकर वो चहेती भावच पार्वती आ गई है, आप का तारा बनी हुई है। कह दिया मल्ला रोलकर ने पूना आने में उसकी मदद की, अब उसके मनसब और जागीरें वापस होंगी। और वो चिमना भाई, वो जिसने पूरे पेशवा दरबार के सामने अपनी जात दिखाई, उसका बेटा महाग वो भी वापस आ गया है, घोड़े पर कर्तव्य दिखाता है। क्या नाम है वो? पांडो बात्रे। उसे भेजा है दूध बनाकर। उसे माफी मिल गई तो जानते हो क्या हुआ? क्या? आगरा, इंदौर, उज्जैन और मालवा के सूबे जो आज पेशवा के हाथ में है, फिर से सिंधिया और होलकर को मिल जाएंगे। सारा उत्तर, चाहे 5 साल के लिए सही, तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। क्या जोर चलेगा तुम्हारा? गलत किया है हमने। हम तब आपे में नहीं थे। पार्वती बाई ने बताया तो बात साफ हुई। हम अपना हुक्म बदलना चाहते हैं। बाबूराव नायक जी। श्रीमंत, आप लिखो जो हुकुम। बेटे नारायण राव। जी पिताजी। पास आओ। लिखो। उज्जैन के दरबार में हम बड़े दुखी और गुस्से में थे। सही हालात का पता नहीं था। पार्वती बाई साहब के आने पर हालात मालूम हुए।
हम मल्लारा होलकर को दोष मुक्त करते हैं और उनकी सुबेदारी जागीरे जो भी जब्त की इज्जत के साथ वापस करते हैं। इस हुक्म का एक खरीदा बरदार आज ही इंदौर मल्ला राव को भेज दिया जाए। जी श्रीमंत। आओ आओ रघुनाथ राव। श्रीमंत पेशवा की जय हो। आपकी तबीयत खराब है, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। नहीं रघुनाथ राव, हमसे जो गलती हुई है हम सुधार कर जाएंगे। हमने मल्ला राव के साथ न्याय कर दिया है, बस महाजी सिंधिया के साथ बाकी है। पार्वती बाई साहब ने खुद देखा, अपने भाइयों की तरह उसने भी बहुत बहादुरी दिखाई, घाव खाया। सुना है लश्कर खड़ा करके हमारे पास आ रहा था, पर हम चले आए। उसका कोई दूत आया। दूत? नहीं श्रीमंत, यहां कोई दूत नहीं आया। आए तो हमसे मिलाना। हमें चिमनाबाई ने बुरा भला कहा, पर सच कहा, वो ठीक है। नहीं श्रीमंत, ये मामला बहुत उलझा हुआ है, सब किराए लेना होगी। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब दूत आएगा तब देखेंगे। श्रीमंत को आराम करने दीजिए, नहीं तो फिर मूर्छा आ जाएगी। गोपिका, हमने तुम्हारी और पार्वती की बात मान ली, माजी सिंधिया का भी मामला तय कर जाए तो शांति से आंखें मूंद सकेंगे। ऐसा ना कहिए, आपको भी बहुत काम करने हैं। श्रीमंत को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, नींद की दवा देता हूं, चैन से सो जाएंगे। गोपिका, हमें पार्वती पर्वत वाले महल में ले चलो, हमें ठीक होना होगा तो बस वही होंगे, नहीं तो शांति से आंखें मुनने की उससे सुंदर जगह नहीं। हरिओम। नमस्कार 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 नमस्कार। आओ वेदराज आओ, कैसे आना हुआ? काय विशेष नाही, काय विशेष नाही, केवल आपके दर्शना साथी। मेरे दर्शन तो तुमने कुछ ज्यादा ही कर लिए, अच्छा नहीं है इस आयु में, काम करो। ये लो और दर्शन जाके अपनी वैद्यानी के करो। कितनी देर लगेगी? हाँ?
ही तो रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा, जल्दी करना ठीक नहीं भाई सरकार। जल्दी चाहिए मुझे, नहीं कर सकती इंतजार, नहीं दे सकती और समय की जो मेरा है, दूसरे ले जाए और मैं देखती रहूं। नहीं क्यों रे, ये खूसर शक्ल और मेरे रूप पर सेंकता रहे अपनी आंखें। ये आप क्या कह रही हैं भाई सरकार। अरे जा रे, बहुत पहचानती हूँ मर्दों की जात और उनकी आंखों से टपकती राल। इस रूप को संभाला है संखिये की भस्म चाट के और तेरे हाथों की मालिश से। निहारने का लोभ नहीं संभालेगा, नीला कर दूंगी। बहुत लटकाया तूने मुझे, नीला कर। कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, दो चार दिन में ही कर दूंगा। आगे बढ़ो। मेरे विचार में ये दस्ता इंदौर जा रहा है। क्यों? मल्हारबा के लिए श्रीमंत का खरीदा लेकर। श्रीमंत ने मल्हारबा की जागीर, सरंजाम, सूबेदारी सब बहाल कर दी। बहाल कर दी? हाँ। कब कर दी? वहीं से तो आ रहा हूँ, मेरे सामने हुक्मनामा लिखवाया है। और रघुनाथ महाराज? वो तो बहुत देरी से आए। इसीलिए? हाँ इसीलिए कह रही थी कि कीली रख दे, रख दे वरना शेष नाग निकल जाएगा। निकाल दिया ना? हाँ। अब जाकर रोको नहीं। मगर मेरे रोकने से थोड़े ही ना रोकेंगे वो। अरे चा मर, रोक। पेशवा जी का नाम ले, मेरा नाम ले, उनका। हाँ। किसी का भी नाम ले मगर रोक। मरा नहीं। हाँ? मर भाग। जाता। कोई जाएगा नहीं, सब लोग रुक जाओ, उधर देखो। बंद करो दरवाजा। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे गए थे जैसे सब कुछ रुकवा दोगे। उस सिंधिया को तो रुकवा दिया मैंने। और राग मल्हार गवा दिया। भिजवाया उसका खरीदा। मैं देर से पहुंचा, हुक्मनामा लिखवा चुके थे वो। हाँ समय पर पहुंचने पर तो सब कुछ करवा लिया था ना। बड़ा बेटा मर गया, तुम नहीं छोटा गद्दी पर बैठे। वसीयत तो तुम्हारे सामने ही लिखी गई थी ना। वो तो बेटा ही। और अब्दाली से लड़ने? अब्दाली को जीतने वाला नहीं, भाऊ जाएगा जिसने मरवा दिया, मेरे आधे घर वालों को कटवा दिया। कब जागोगे तुम? क्या कर सकता हूं मैं? होलकर का खरीदा मत भेजो, मत बनने दो उस महत को सिंधिया की सूबेदारी का वारिस, ताकि बेच सको उसे बाद में और बना सको चांदी। बुट्ठा मर जाएगा आज नहीं तो कल, और परसों, परसों जब माधव नाम का और तुम काम के पेशवा बनोगे तब भेजना खरीदा कि ए मल्हार, तेरे राग को राग दरबारी मैंने बनाया, मत साथ दे उसका जिसके बाप ने तेरा सब कुछ लिया और बना बाप मुझे, जिसने सांप के मुंह से छछुंदर निकालकर फिर से छछुंदर तेरी झोली में डाल दी। वो तो चली गई। नहीं गया।
रोक दिया। रुका पड़ा है, सब कुछ रुका पड़ा है। बुढ़े की जिंदगी, उसकी मौत, उसकी राजनीति, उसका बेटा जो उसके बाद घोड़े पर चढ़ेगा। थूथनी के पास थाम लो उसकी लगाम कि चले पीछे पीछे तुम्हारे, और ले चलो तुम, बैठा रहे वो, और सवार तुम हो। निकाल लिया पेशवा जी, और मैंने से कितनी बार मना किया है, अपने हाथ पे तोड़ लेगा। विश्वास रहो तो पानीपत में काम आ गए, अगर ऐसे कुछ हो गया तो गद्दी पर कौन बैठेगा? तुम जिसकी ओर गद्दी देखती है, तुम जो गद्दी को नहीं देखती। अरे कौन है महाराष्ट्र में जो तुम्हारी टक्कर का, कौन है पेशावर से दिल्ली तक जो तुम्हारी आहट नहीं पहचानता और कांपता नहीं? पुणे में टूट पड़े हैं पेशवा की गद्दी के पाए, और तुम्हें फिक्र है कि इसके हाथ पैर में टूट जाए। यह हाथ पैर तोड़ो, पर याद रखना जो अपने हाथ पैर तोड़ लेता है उसे हाथ पैर तोड़ना आ जाता है। क्या ये मेरे हाथ पैर तोड़ेगा? मेरे? प्रणाम श्रीमंत। मेरा नाम पांडव आत्रे है, कावजी पवार के दस्ते में था। अच्छा, हमें पहचानते हो? श्रीमंत पेशवाजी महाराज के पुत्र, और होने वाले पेशवाजी को कौन नहीं जानता। आप क्या करते हो? सरदार महाजी सिंधिया जी के साथ में हूं। जब वो पानीपत से जख्मी होकर लौट रहे थे। पानीपत? हाँ, पानीपत। हम जानते हैं वहां सिंधिया खानदान का बहुत नुकसान हुआ। हमारे बड़े भाई विश्वास राव और हमारे चाचा सदाशिव राव भाऊ वीरगति को प्राप्त हुए। कौन सा ऐसा मराठा खानदान होगा जिसका कोई ना कोई आदमी वहां मारा ना गया हो? बस अब उसकी याद न दिलाएं।
कहाँ है महात्मा? उज्जैन में है। अब उन्होंने एक लश्कर भी तैयार किया है, उन्हीं के साथ। अब तो वो घुड़सवारी भी कर लेते हैं, शिकार भी कर लेते हैं। फिर खुद पुणे क्यों नहीं आए? कैसे आ सकते थे श्रीमंत? अब पहले उन्हें दरबार बुलाया जाएगा सफाई देने के लिए। इसलिए श्रीमंत पेशवाजी महाराज से विनती करने आया हूं। फिर क्यों नहीं की? वो बीमार हैं, अच्छे हो जाएंगे तो कर लूंगा। श्रीमंत जरूर अच्छे हो जाएंगे जल्द। अच्छा हुआ आप लोग यही मिले, इनसे मिलिए। यह पांडव आत्रे महात्मा के खास आदमी, उन्हीं के काम से यहां पर आए हैं। बालाजी जनार्दन, मधुजी भोसले, जानोजी, बाबूराव नायक, आइए। ये श्रीमंत के लिए है, इसमें आनंदी बाई का दिया हुआ जहर है जो धीरे धीरे असर करेगा। अगर फौरन असर करने वाला जहर हो तो मैं तुम्हारे हाथों से पीने को तैयार हूं। चलो हटो। हरिओम। 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 श्रीमंत, ये काढ़ा है, इसे पीकर बहुत नींद आती है। जितना सोएंगे अच्छा है, शक्ति संचय होगी, यात्रा बहुत लंबी है, पी लेंगे तो दूरी का पता नहीं चलेगा। श्रीमंत पी लीजिए, पी लीजिए श्रीमंत, पी लीजिए, पी लीजिए ना, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। हरिओम। 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 भाई सरकार, अब आप भी तैयार हो जाएंगे। जितनी जल्दी निकलेंगे वहां उतनी ही जल्दी पहुंचेंगे। हरिओम। हरिओम। श्रीमंत उठिए ना, उठिए। कैसा है बुढ़ा?
बस जल्दी ही इनाम लूंगी भाई सरकार। इनाम की नहीं, दिनों की पूछती हूँ। अरे इनाम से तेरा पेट तो क्या मुंह भी भर दूंगी। बस दो चार दिन और, ज्यादा से ज्यादा। ये वैद्य का बच्चा दवा दे भी रहा है या तेरी बातों की तरह उसे ठंडा कम और मुझे ठंडक ज्यादा पहुंचा रहा है? वैद्य राज का भरोसा न कीजिए भाई सरकार। चोर से कहे चोरी कर और शाह से कहे जागते रहियो। चल अंदर जा, कोई आ रहा है। नमस्कार करते भाई सरकार। सौभाग्यवती भवा। श्रीमंत कैसे हैं भाई सरकार? ठीक नहीं है आनंदी, आजकल मूर्छा कुछ ज्यादा ही रहने लगी है। ये तो शुभ है भाई सरकार, रोग कटता है तो नींद आती है। हाय, पता नहीं नींद है या मेरे ही भाग सोए हैं। अरे भाग सोए तुम्हारे दुश्मनों के? उन्हें पार्वती पर्वत ले जाएंगी तो सूरजमुखी की तरह खिलकर आएंगी। हाय, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर आनंदी, ऐसा हो जाएगा ना तो मेरे गले का हार तुम्हारे गले में डाल दूंगी। आपके गले का आपके गले में रहे, आप बस उन्हें जल्दी से लेके जाइए। यहां आपके देवर हैं, सब संभाल लेंगे। श्रीमन की जगह माधोरा है, जैसे भाई का छत्र उठाया भतीजे का उठाएंगे। ये प्रसाद लीजिए, श्रीमंत बस जल्दी से अच्छे हो जाए। मैंने पाठ बिठा रखा है, श्रीमंत को भी दीजिएगा और आप भी। पाठ तो है पर जीने का नहीं। भगवती चमुंडाय त्रिकाल चमुंडाय नमो नमः त्रिकाल चमुंडाय नमः। नमो चमुंडाय त्रिकाल नमो नमः त्रिकाल चमुंडाय नमः। त्रिकाल चमुंडाय, त्रिकाल चमुंडाय नमः। ऐं क्लीं श्रीं गौ यां क्लीं गां वां शां चमुंडाय त्रिकाल क्या है? सब लोग क्यों जमा हुए हैं यहाँ? पेशवा जी जा रहे हैं पार्वती पर्वत पर। क्यों, क्या हुआ, कैसी है इनकी तबीयत?
ठीक नहीं होगी इसलिए जा रहे हैं या ठीक होगी इसलिए जा पा रहे हैं? नहीं रहे।
क्या सोच रहे हो? एक घड़ी भी ऐसी नहीं मिली कि महसूस कर सकूं कि आप पूरी तरह मेरे साथ हैं। क्या करूं जमुना? मैं तो पानीपत से चला आया हूं, लेकिन पानीपत अब तक मेरे साथ चल रहा है। मैं यहां पहुंचा भी नहीं था कि पता चला सुबेदारी छिन गई। उससे नहीं संभला था कि मालूम हुआ साहूकारों का कर्ज है। मैं जानता हूं जमुना, मैं जानता हूं तुमको मुझसे क्या क्या उम्मीदें थी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता कि उम्मीदी और ना उम्मीदी के इस दलदल में कहां कदम रखूं और कहां ना रखूं। मैं बहुत परेशान हूं जमुना। कर्ज चढ़ा है, पुणे से कोई जवाब नहीं आया। आप मेरे गहने ले लीजिए। बात गहनों की नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो गया? होलकर जी के साथ भी यही हुआ है। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अव्वल तो सुबेदारी उन्हें मिल जाएगी, और नहीं भी मिली तो अहिल्या है, उनके बेटे की पत्नी। अहिल्या? हाँ, तुम जानती नहीं, मल्हार काका के बेटे खांडेराव की विधवा, जो खांडेराव की मौत के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन काका ने होने नहीं दिया। काका की सारी जायदाद और कारोबार की देखभाल वही करती है। समस्या उनकी नहीं है जमुना, समस्या तो हमारी है। हमारा क्या होगा? आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। जमुना सही कहती है, दो दुश्मन एक हो सकते हैं। होलकर महाराज जी के सीने में भी वही आग जल रही है जो हमारे सीने में जलती है। पेशवा पुणे में है, हम यहाँ हैं। अगर दोनों दबाव डालें तो पेशवा को तो झुकना ही पड़ेगा। फिर अहल्या बाई के पास दौलत है, उनके पिता की भी और मल्हार राव की भी। सुना है वो साहूकारी करती हैं, उनके मंदिर के दरवाजे चांदी के हैं, और पेशवा के दरबार में तो सौदेबाजी चलती है। सेनापति से सौदेबाज बनाना चाहती है मुझे? सुबेदारी के बीच सौदा आता है बेटे, नहीं करोगे तुम तो कोई और कर लेगा। रघोबा रकम लेकर हमारी जागीर किसी और को बेच देगा। मैं कहती हूँ अहिल्या बाई से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? लेकिन अहिल्या बाई मुझे उधार क्यों देंगी माँ? मैंने उसका हाथ अपने कंधे पर महसूस किया है। उसे अच्छा लगा कि भरे दरबार में एक मैं ही थी जिसने पेशवा से पूछा, कैसे करेंगे जब्त, किस मुंह से, किस बात पर करेंगे? आपको जाना है पहले इंदौर होलकर जी महाराज के पास, और फिर मंसूर शाह बाबा के पास। ये लीजिए, अब ये मंसूर शाह बाबा। जी हाँ, जैसे मुझे बताया आप जिंदा हैं, वैसे आपको बताएंगे कि कैसे जीतना है। एक राजनीति है, एक आस्था है। ना तो नहीं कह रहे हो? अरे ना नहीं कहोगे तो हम हां समझ लेंगे, और हां समझकर चल देते हैं। तुम यहां आराम से रहना और हमारे लिए दुआ करना कि हम कामयाब होकर लौटे। हैं? जिंग्या महाराज की सेवा हो रही है राने का। क्या करे महाराज, जब मशक लेके पानी पिलाते फिरते थे तो मशक इन्हीं पे लाद देते थे। अब भी अपना बोझ इन्हीं पर लादते हैं, जो कुछ करते हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या कहा इन्होंने? ना नहीं की तो हाँ की, बस यही सोचकर चल देते हैं। अच्छा,
इतना विश्वास करते हो? क्या करें महाराज, जब अपना बोझ ना संभाला जाए तो दूसरों पे डाल देते हैं, बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह परमात्मा को इसलिए मानते हैं कि तू संभाल, हम तो चले। तो चले, चलिए महाराज, आओ। जिंग्या महाराज, पानीपत से तो निकाल लाए, अब एक और पानीपत में फंसे हैं, उससे भी निकाल लीजिए। महाराज, जिंग्या मान गया, आपका तो काम हो गया। तुम्हारा जिंग्या और तुम्हारी बाई सरकार के मंसूर शाह बाबा, लगता है इस मराठा को कई जगहों पर सर झुकाना पड़ेगा। अच्छा है धरती दिख जाती, वरना आदमी अगर सामने देखकर चले ना तो ठोकर खा जाता है महाराज। बहुत अकलमंद हो गए हो महाराज। हम यहां मेहमान खाने में बैठने को तो नहीं आए थे, मिलने को आए थे, अभी तक बुलाया तक नहीं। कहा तो था आराम कर रहे हैं, बीमार हैं। अरे ऐसा कैसा आराम, हम लोग उज्जैन से चलकर आए हैं। क्या हुआ, कौन है? देखो कहीं वो साहूकार तो नहीं जिनसे कर्ज लिया था हुंडियों पर? मैं तो नहीं पहचानता। लगते तो वही हैं, लेकिन यहां इंदौर में कहीं काका होलकर जी महाराज भी तो कर्ज? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। काका होलकर जी महाराज कहाँ है, आपने उन्हें बताया नहीं? बता दिया महाराज, आप जलपान कीजिए। हमें उज्जैन वापस जाना है और शाम होने को है, आप उनसे कहिए। जो आज्ञा। पता है ना, अब हम कुछ नहीं रहे, इसीलिए बीमार हैं, आराम कर रहे हैं। मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था। तो क्या हुआ महाराज, लौट जाएंगे, और अगर वो ना कहते तो हमें बुरा लगता, अब कम से कम ना लेकर तो नहीं लौटेंगे ना। तुम्हारे लिए तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ रानी खान। हमें बुरा लगता है महाराज, पर क्या पता कि दूसरों को पता ही ना हो कि हमें बुरा लग रहा है। एक बार जिंगिया को मार मार कर उसके रुए उड़ा दिए, फिर पता चला उसके खुर में कंकर फंसा हुआ है, उसके पिछली दोनों टांगों में जख्म हो गया था महाराज। मंदिर में पूजा हो रही है? मंदिर से तो ऐसी आवाज आती है महाराज। लेकिन ये पूजा का वक्त तो नहीं है। जब आ रहे थे तब भी पूजा हो रही थी।
वो आया था ना, क्या उसका नाम है, नामदेव, उसने नहीं बताया कि अहिल्याबाई सरकार दिन में 4 बार पूजा करती हैं। नमस्कार काका।
मैं आप ही का इंतजार कर रहा था काका। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, बस वो हो जाए तो आज ही रात उज्जैन लौट जाऊं। इनसे कहिए आज न जाएं, आराम करें, कल सुबह पूजा के बाद भजन करके फिर जाएं। यहां एसी का हुक्म चलता है, मानना ही पड़ेगा। चलिए आओ। जब से पानीपत से लौटा हूं छाती को जकड़ी सी रहती है, रात रात भर खांसता रहता हूं। अब तो कुछ ठीक है ना? ये तो ठीक है, लेकिन और कुछ ठीक नहीं। और तुम्हारा मामला तो बहुत ही खराब है। मेरी सुबेदारी तो शायद श्रीमंत पेशवा बहाल कर दें, लेकिन सुना है कि रघुनाथ राव ऐसा नहीं चाहते, और तुम्हारी सुबेदारी तो वो नीलाम करना चाहते हैं। लेकिन मैंने तो श्रीमंत के पास अपना दूत, तुम्हारा दूत पुणे गया था, लेकिन उसे श्रीमंत पेशवा से मिलने ही नहीं दिया गया, और नहीं उसे मिलने दिया जाएगा, क्योंकि श्रीमंत पेशवा पर्वती पर्वत के महल में है, बहुत बीमार है वो, हालत बहुत बुरी है उनकी, सब कुछ राघोबा और आनंदी बाई के हाथ में चला गया है। आपको यह सब कैसे खबर हुई? हम पुणे से बहुत दूर हैं, अगर हम उनकी खबर न रखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे बारे में क्या कर रहे हैं? अगर श्रीमंत को कुछ हो गया तो नया पेशवा कौन होगा? माधव राव, श्रीमंत पेशवा का मंझला बेटा। लेकिन वो तो अभी बहुत छोटा है। हम गद्दी पे बच्चों को बिठाते हैं ताकि हम राज खुद कर सकें। मेरा कुछ नहीं होगा। रघुनाथ राव तुम्हें नहीं बनने देंगे, वो ऐसे को बनाएंगे जो उन्हीं का बनेगा, और आगरा और अजमेर में बैठकर मुझे दिल्ली की सियासत से अलग रखेगा, मालवा ही में। काका, मेरा सचमुच कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं महात बेटा, साफ कहना मेरी आदत नहीं, लेकिन कह रहा हूं। महाराज भोजन तैयार है, तुम जाओ, हम आते हैं। महात बेटा चलो भोजन करते हैं, आओ। शुरू करो काका। हमें परहेज पर रखा हुआ है, क्या खाना है वेद से ज्यादा अहिल्या तय करती है। अहिल्या अब इस घर की बहू नहीं बेटी है, इसलिए हुक्म चलाती है और चलाना भी चाहिए।
खाओ ना। आराम से बैठो। लोग मुझे बुरा समझते हैं, विश्वास कम करते हैं, क्योंकि मैं फैसले जल्दी से नहीं करता हूं। दोस्त दुश्मन सब कुछ साथ लेकर चलता हूं। इसलिए पूछता हूं, तुमने क्या फैसला किया है? फैसला क्या करना है काका, आपने तो मना कर दिया है। मना करना ही था। पुणे में किसी का कुछ नहीं हो सकता, ना मैं कर सकता हूं ना कोई और कर सकता है। कल सुबह जाओगे? और क्या करूंगा, काफी परेशानी में होगे। माताएं विमाताएं पत्नियां और जिन्हें हम रणवास में अपने साथ रख लेते हैं, सब एक दूसरे से बढ़कर खर्च करती हैं, हुंडियों पर कर्ज लेती हैं कि हम चौथ वसूल करके आएंगे और चुका देंगे। तुमने भी लश्कर के लिए काफी कर्ज लिया होगा। अच्छा किया लश्कर तैयार कर लिया, काम आएगा। मेरी बात गौर से सुनो, जब तक पुणे में कुछ नहीं होता तुम चौथ वसूल करते जाओ। चौथ वसूल करते जाओ, लेकिन कैसे? इख्तियार कहां है? सारी सूबेदारी छिन गई है काका। इख्तियार ताकत से मिलता है। सूबेदार थे तब भी चौथ वसूल करने के लिए चढ़ाई करते थे तुम। बुंदेलखंड, मारवाड़, मेवाड़ है, करोड़ों बकाए हैं चौथ के, वो वसूल करो और खर्च काटकर पेशवा के खजाने में जमा करो, फिर देखो तुम्हें कौन सूबेदार नहीं बनाता और मानता। आप तो गलत काम करने को कहते हैं काका, जो मैं नहीं कर सकता। विश्वास हो तो करो, नहीं तो मत करो। जहां हो वहीं रहोगे। सबको पता चल गया है कि पेशवा ने मुझे चौथ कौन देगा? चौथ क्या है? चढ़ाई की फिर शर्त रखी कि राज करना है तो हमें सालाना इतना दो, हम हमला नहीं करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये काम तुम अब भी कर सकते हो, कर्ज भी उतर जाएगा, मराठा सिपाही तुम्हारे झंडे तले आ जाएंगे और पुणे को तुम्हें सूबेदार बनाना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं? महाद बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बीमार रहता हूं। काम करने का सोचोगे तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। महाराज, कुछ और चाहिए आपको? नहीं, तुम जाओ।
जी बहुत अच्छा। अब हम विश्राम करेंगे। चलो महत बेटा, तुम भी विश्राम करो और जो मैंने तुमसे कहा है उस पर गौर करो। चलो। महाराज। अरे आओ रानी खान, तुमने खाना खाया? इतना खिला दिया महाराज, मैं तो उठ भी नहीं सका। खिला दिया? किसने खिला दिया? अहिल्या बाई सरकार ने दो दो बार आकर दासियों से कहा परोसो, परोसती क्यों नहीं? बहुत अच्छी है, बड़ी दयालु है महाराज। और कुछ पूछा? अब मेरा नाम पूछा और ये भी पूछा कि मैं आपके साथ क्या करता हूं। और कुछ? आई सरकार के बारे में पूछ रही थी, कैसी हैं, क्या करती रहती हैं, उन्हें मेरा प्रणाम देना। तो जाने के बारे में भी कह रही थी कि सुबह उठते ही मत चले जाना, तुम्हारे सिंधिया जी को पूजा में आना है, भजन गाना है, तब जाना है। तुम कहां सोओगे? मैं बाजू के कमरे, मेरा इंतजाम है महाराज। अच्छा, अब मैं चलूं? हाँ। अच्छा। प्रभु जी तुम ही नाथ हमारे।
अच्छा अब मैं चलूंगा। उज्जैन के लिए पूजा का कुछ प्रसाद भेज रही हूँ, मां जी को दे दीजिएगा। पूजा हो गई? हाँ। ले जाओ। प्रणाम, प्रसाद है उज्जैन के लिए। प्रसाद? ये क्या है रानी खान? प्रसाद है महाराज। हाँ, इसे अंदर रख लो। थोड़ा हमें भी दे दो। ये क्या है महाराज? ये तो हुंडिया है जो कर्ज हमने लिया था। इनके पास कैसे? शायद खरीद ली है, अब हम इनके कर्जदार हो गए हैं। आप किसी के कर्जदार नहीं है महाराज। अब ये हुंडियां आपकी हैं, आप इन्हें फाड़ डालिए। आपने जो हमसे कर्ज लिया था वो अहिल्या बाई सरकार ने चुका दिया, अब आप पर कोई कर्ज नहीं। लेकिन कर्ज तो आप लोगों ने दिया था, और ये हुंडियां? साहूकारी कैसे की जाती है ये जानने की कोशिश नहीं कीजिए महाराज। बस आप इतना बता दीजिए कि और किस चीज की जरूरत है आपको। ये सब क्या है? आप चौथ वसूल करने जाएंगे, हमको ऐसा ही बताया गया है, और इसके लिए आपको लश्कर बढ़ाना पड़ेगा। हम उज्जैन जाएंगे, आप बतला दीजिएगा। आपको और कुछ चीजें चाहिए बस सब मिल जाएंगी। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब हम ऊपर जाएंगे। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ये थाली यहां रख दो। हाँ। अरे भाई उसे सही ढंग से लगाओ। हाँ चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। हाँ ये थाली यहां रख दो। हाँ हाँ जल्दी करो। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वो अरे भाई वो सही सही लगाओ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ बस हाँ वो उसे उसे हाँ हाँ सीधा सीधा हाँ बस 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 हाँ। बहुत हो चुका, अब बस भी करो। आज तो हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है। आज आपका जन्मदिन है भाई सरकार। अब तो सेनापति सरकार ने भी अपनी सेना फिर से खड़ी कर ली है। ये सब हमारे पीर मंसूर शाह बाबा की कृपा है। जाऊंगी तुम्हारे सेनापति सरकार को लेकर, तुम सब साथ चलना। जन्मदिन मुबारक हो। हमारे जन्मदिन पर तो आप हमारी आरती उतारती हैं, हम आपके जन्मदिन पर क्या करें? आप बताएं।
क्या करना चाहते हैं? हमारी जिंदगी में आप हमेशा रहें। जब हम बाहर जाएं, तो आप ही को देखकर जाएं, और जब आएं, तो आप ही को देखें इन्हीं नजरों से। और हम क्या करें? आप आएं, हवा का झोंका बन के चले जाएं, और हम राह देखते रह जाएं, इंतजार की किताब के पन्ने पलटते रहें दिनों और महीनों तक। और आप हैं कि हमें दिखाई ही ना दें। अब तो आ गया हूं, इतने महीनों से तुम्हारे ही पास हूं। कब तक? इंदौर से आने के बाद आपने जो लश्कर तैयार किया है वो आपको हमारे पास रहने देगा? एक दिन पुणे या कहीं और चले जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ कितना बोझ है और कितनी देर तक उठा सकता हूँ। सच कितनी हल्की है कि लगता है एक नहीं कई जन्म तक उठा सकता हूँ। इतनी दूर तक ले जा सकता हूँ जहाँ जमीन और आसमान मिलकर एक हो जाते हैं। इतना ऊपर तक ले जा सकता हूँ जहाँ जाकर आप हाथ बढ़ाओ तो चांद सितारे आपके हाथ में आ जाएं। मान गए आप नहीं थकेंगे, मगर हम थक गए हैं, हमें बिठाइए ना। बैठो। और ये भी तो बताइए, छोड़कर कब जाएंगे? जी तो नहीं चाहता कि आपको छोड़कर जाएं। आप एक काम कीजिए, हमें भौरा बना लीजिए और अपने इन पलकों की पंखुड़ियों में बंद कर लीजिए। ये क्या है? जन्मदिन मुबारक हो भाई सरकार। धन्यवाद। बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये शोर कैसा है आने पर? आप खुद ही चलकर देख लीजिए, जल्दी चलो आइए। सुनो जी राम पीर जी।
सुना झूठो ये संसार जी हो अपनो रंग में रंग दो मोहे खोलो अपनो द्वार जी ओ राम सबीर हरी अफसोस की बात है कि पुणे में श्रीमंत पेशवा जी महाराज का देहांत हो गया है। बुरा हुआ ये तो। क्या बुरा हुआ? श्राप दिया था मैंने, लग गया। मां साहब, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं। हमारे साथ क्या किया? जागीर छीन ली, हमें मोहताज बना दिया। पर वे हमारे पेशवा थे। क्या पेशवा थे, सबको कटवा दिया। दिल्ली तक जिन्होंने राज फैलाया उन्हीं की सूबेदारी छीन ली, ढिंढोरा पिटवा दिया। पानीपत की हार और बेटे की मौत के गम ने उन्हें पागल कर दिया था। जमुना गुस्से में थे वो। तो दिल्ली क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं लड़े उस अफगान भेड़े अब्दाली से जिसने सबको मार डाला? क्यों वापस लौट गए उज्जैन से? उल्टा तुम्हें जो घायल थे गद्दार कहा कि तुम वारिस नहीं। माँ साहब, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है। तो फिर किसका है, शोक मनाने का? हवेली में आज दो दिए जल रहे हैं, उन्हें बुझाना है। क्या फिर से अंधेरा करना है? पांडोबा ने कुछ और भी खबर भेजी है। पेशवा जी की गद्दी पर
उनके बेटे माधोराव बैठेंगे और वो हमारे हक में है मां। हमारे हक में? और उन्होंने पांडुबा से कहा है कि हमारी सुबेदारी हमें वापस मिल जाएगी और मुझे घुड़दौड़ के लिए भी बुलाया है। माधवराव ने कहा है घुड़दौड़ को? हाँ मां, होने वाले पेशवा माधवराव ने। तू जाइए, फौरन पुणे जाइए। बिना बुलाए पेशवा जी से कोई नहीं मिल सकता। और फिर इस वक्त राज तो रागो बाका है, वो कंस मिलने देगा? मां साहब सही कहती हैं, हमारी सुबेदारी जब्त है, जब तक बहाल नहीं होती हम कैसे जा सकते हैं, हमें कौन मिलने देगा? लेकिन ये होलकर महाराज जी का भी मामला है, अगर वो जाते हैं तो मैं भी पुणे जाऊंगा। मां मैं इंदौर जाता हूं, अगर वो पुणे जा रहे होंगे तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन पुणे में क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता जमुना, अगर कोई बता सकता है तो वो है स्वर्गीय पेशवा के भाई रघुनाथ राव या उनकी पत्नी आनंदी बाई। सुन गया सबको, नकुआ मर गया। भाई सरकार समय तो दीजिए, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों का स्थान और गणित लगाकर शुभ घड़ी निकाली जाती है। घोड़े और पालकी भेजकर तुम्हें जो दूर दूर से यहाँ बुलाया गया है, ये जो दान दक्षिणा वस्त्र और आभूषणों के थाल रखे हैं, किस लिए रखे हैं? इन्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है बताया नहीं? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले इन्हें अलग अलग तिथियां और घड़ी तो निकाल लेने दो। क्यों? तिथियों के करोंदों और फूलों से मेरी वेणी बनानी है? राज्याभिषेक रुकवाना है तो साफ साफ कह दो। ऐसे नहीं रुकवाया जा सकता, दरबार के भी पंडित हैं। और वो जो है ना नाना, नाना जनार्दन, अरे उसने तो बनारस से पंडित बुलवाए हैं, पूरा शास्त्रार्थ होगा कि नया पेशवा गद्दी पर कब बैठे और कब नहीं। भाई भाई, बनारस के पंडितों से पूछा जाएगा? यहाँ हमारे महाराष्ट्र के पंडित मर गए? नहीं नहीं मरे, इसलिए तो महाराष्ट्र की जगह जगह से इन पंडितों को बुलवाया है मैंने, ताकि ये दरबार में कह सकें कि इन महाराष्ट्र के पंडितों के हिसाब से शुभ घड़ी ये है। शुभ नहीं, अशुभ। ऐसी अशुभ घड़ी निकाले कि ये मोटी मोटी चोटियां जो तुमने बढ़ा कर रखी हैं, जब शादी ब्याह कराते हो तो किसी के पत्र किसी से मिला देते हो, तो ऐसी घड़ी निकालो कि शुभ भी हो और शुभ न भी हो, और ऐसी नहीं कि अगले महीने निकाल कर रख दो, डुबो दो किसी नक्षत्र को और लाकर खड़ा कर दो किसी ग्रह को किसी दूसरे ग्रह के सामने, कि 6 महीने तक गद्दी पर ना बैठ सके। उनके पंडित भी होंगे भाई सरकार, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भिजवा दो इन थालों को अंदर और जाने दो इन्हें खाली हाथ अपनी पंडितानियों के पास, टट्टू पर नहीं पैदल। देखिए 16 साल के हैं माधव राव, पानीपत में आधी ताकत खत्म हो गई, इतना बड़ा राज्य है और उधर निजाम अपना सर उठा रहा है, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि कोई भी नया पेशवा उस वक्त गद्दी पर बैठे जब राज्य स्थिर हो जाए। बस इन दो बातों को ध्यान में रखिए और उनकी निकाली हुई हर तारीख का विरोध कीजिए। और रही बात आपके मंदिरों की, जितना कहेंगे उतना धन उतनी जमीन मिल जाएगी,
समझे? जी श्रीमान। तो जल्दी से निकालिए इसे, टालिए जितना हो सके। ये जो आगरे के नाजिम हैं, उन्होंने कर्ज सही वक्त पे लौटा दिया है। जी भाई सरकार, कटौती की रकम में 1% और बढ़ा दिया जाए तो। मुनीम जी, रकम गिन लीजिए, इन्हें इनकी कटौती दे दीजिए और नागरमल साहूकार को बुला लीजिए। आज से हमारा रुपया ब्याज पे वो लगाएंगे। क्षमा कीजिए भाई सरकार, आपकी तो नीयत बदल गई जब से हमने सिंधिया परिवार की हुंडियां खरीद ली। आप समझते हम खैरात बांटते हैं? महाजी सिंधिया हमारे अपने हैं, हमारे अपनों की आबरू किसी दूसरे के हाथ में न जाए, इसलिए हुंडियां खरीद ली। ब्याज हम उनसे भी लेंगे, लेकिन अब से आप हमारा रुपया ब्याज पे नहीं लगाएंगे। क्या हुआ आबा साहब? श्रीमंत पेशवा का देहांत हो गया। कब? 7 दिन पहले। दरबार से खबर आई? हमारे अपने दूत की खबर है, दरबार ने कोई खबर नहीं दी। इसका मतलब है मुझे सूबेदार नहीं माना जा रहा। हालांकि हमारे दूत का कहना है कि स्वर्गीय पेशवा ने मरने से पहले मेरी सूबेदारी बहाल कर दी थी, लेकिन रघुनाथ राव ने बहाली का खरीदा रुकवा दिया। लेकिन वो कौन होते हैं ऐसा करने वाले? आप वहां जाइए आबा साहब। नहीं बेटी, बहुत थक गया हूं मैं। पानीपत से दमे की ये बीमारी लाया हूं और माथे पे ये कलंक। तुम्हारी सास कोतमा बाई को खो बैठा हूं। पहले बेटे की और फिर पत्नी की मौत, जिनके दम से मेरा दम था। महाराज की जय हो। उज्जैन से सरदार महाजी सिंधिया आए हैं। महाजी सिंधिया? जरूर उन तक भी खबर पहुंच गई होगी, इसीलिए आए होंगे। मेहमान खाने में उनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए। जो आ गया। अहिल्या, मैं उनसे जाके मिलता हूं। कैसे आना हुआ महाद बेटा? काका साहब, यह सरासर ज्यादती है कि जिन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान में पुणे का झंडा लहरा दिया, उन्हें श्रीमंत पेशवा जी के शोक में शामिल होने का न्योता तक नहीं दिया गया। श्रीमंत पेशवा जी में हमारी आस्था थी और रहेगी, लेकिन हम बिन बुलाए पाहुणे बनकर पुणे नहीं जाएंगे, कभी नहीं। आओ अहिल्या बेटी, बैठो। हां महाजी। हां कहो, आगे कहो, हम सुन रहे हैं। अगर यह सही है कि श्रीमंत पेशवा ने आपकी सुबेदारी वापस कर दी थी,
और मुझे सिर्फ यह बताना था कि मैं 3 महीने कहां रहा। तो हम दोनों सूबेदार हैं और हमें हिंदुस्तान के उत्तर में अपना हक दिखाना और मनवाना चाहिए। बात अधूरी है, पूरी करो। होलकर और सिंधिया हर साल राजपुताना से चौथ वसूल करते थे। इससे हमारे लश्कर का खर्च चलता था, पुणे की आमदनी होती थी। लेकिन जब से पानीपत में हारे हैं यह सिलसिला भी बंद हो गया। यह सिलसिला शुरू होना चाहिए आपा साहब, यही राजा और सूबेदार होने की निशानी है। माजी, अर्थव्यवस्था के मामले में अहिल्या बड़ी माहिर है। कहीं पर लगता है तुम्हारी और अहिल्या की सोच मिलती है। ये इनका गुण है, लेकिन मेरे लिए तो ये होने या ना होने का सवाल है। मैंने अहिल्या बाई की मदद से एक फौज खड़ी की है और मैं चाहता हूं इस फौज के पीछे आप खड़े हो जाएं। मैं राजपुताना जाना चाहूंगा। मैं पुणे की तरफ रुख करके उनका मुंह नहीं तकूंगा, जो एक दूसरे के मुंह से निवाला छीनने की ताक में हमेशा उलझे रहते हैं। अहिल्या, महाजी मेरी तरह सोचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सुबह की चढ़ती हुई धूप है और मैं ढलता हुआ सूरज। काका, आप सिर्फ चलकर मेरे लश्कर का मुआयना कर लीजिए और अगर कहीं देखें कि कोई कमजोरी है तो मुझे बताएं। कहते हैं आपने और मेरे पिताजी महाराज रानूजी सिंधिया ने जो जीत हासिल की थी उसमें हिम्मत और एक दूसरे के साथ का ज्यादा दखल था। मैं आगे चलूंगा और मैं चाहता हूं कि जब मैं पीछे पलट कर देखूं तो मुझे आपकी परछाई नजर आए। बिल्कुल फ्रांसीसी ढंग से, खैमे पुराने ना होते तो बिल्कुल फ्रांसीसी छावनी लगती। सिपाही भी तरबियत याफ्ता है, राख से शिवलिंग बना लिया। हार बहुत कुछ सिखा देती है काका साहब, लड़ना भी और जीतना भी। आइए मैं आपको अपना अस्तबल दिखाता हूं। चलो ला बेटा, ला नहीं आला चार। हाँ ले ले बेटा, शाबाश शाबाश। आ ले खा बेटा। खा खा। अरे शाबाश, चल चल चल। हाँ और ये है हमारा अस्तबल। सलाम महाराज। कैसे हो राने खान? अल्लाह का करम है महाराज। काका साहब, ये राने खान है। नमस्कार। ये सब इन्हीं का कमाल है, जानवरों को आदमियों से ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं। कितने जानवर मारे गए थे पानीपत में, आधे भूख से आधे बीमारी से,
अब ऐसा नहीं होगा। वो क्या है? आइए। ये देखिए, ये जंबर्क तोपे हैं। ये कहां से हाथ लगी? आपके मालवे के पठान जो पानीपत की लड़ाई में गए थे, अब्दाली की दो तोपे ले आए, उन्हें देखकर अपने कारीगरों से बनवाई है। इनका तोपखाना बनवाओगे? जी, लड़ाई छिड़ने के बाद बड़ी तोपे बेकार, हल्की तोपे चाहिए ताकि अंदर तक जाकर दुश्मन पर गोलाबारी की जा सके। ले जाने के लिए ऊंट चाहिए? जी हाँ, अभी तो कम है लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ाई पे जाएंगे और ऊंट लेकर जाएंगे। आइए। बैठिए काका साहब। जाओ। कितने सिपाही हैं कुल? सब मिलाकर कोई 2000। मुहिम के लिए कम नहीं होंगे, मेरे सिपाही मिलाकर भी? जो अब्दाली ने किया वही करेंगे, रास्तों पर नाकाबंदी करेंगे, घेरे डालकर बैठेंगे, रसद और कुमक बंद करेंगे और घुड़सवार ज्यादा रखेंगे जो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक मदद पहुंचा सके। इतने मोर्चों पर खुद आगे कैसे रहोगे? वो गलती नहीं करूंगा काका, वो गलती नहीं करूंगा। विश्वास राव जी और सदाशिव राव भाऊ के गिरते ही सारा का सारा लश्कर भाग खड़ा हुआ था। मैं पीछे रहूंगा, मैंने छोटे कमांडर तैयार कर लिया है। बहुत कुछ सीख लिया तुमने। आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है काका। महाद बेटा, जिस तेजी से अंग्रेज और फ्रांसीसी आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को बदलना होगा। बदलना बहुत जरूरी है। मैंने रीत बदली, अहिल्या को सती नहीं होने दिया, आज वो मेरे बेटे की जगह है, सारा काम वही संभालती है। बहुत दया है उनमें। बुद्धि, बुद्धि महाद बेटा, बहुत बुद्धि है उसमें। हम औरतों को दबा कर रखते हैं, इसीलिए वो घुटी रहती हैं। हम उन्हें उनकी जगह दे दें तो हमारा काम आधा हो जाए। सही कहते हैं आपका काका। खैर, तुम्हारा लश्कर हमने देख लिया, महाजी हमारा लश्कर भी देखना। जी। अच्छा, हम चलते हैं। आइए। नहीं, अब हमें मत रोकिए। मत रुकिए, रुकिए श्रीमंत, श्रीमंत। अब शौक समाप्त हुआ बाला जनार्दन, अब हम घुड़सवारी कर सकते हैं। अभी नहीं श्रीमंत। क्यों, क्यों नहीं? हम कब तक इस महल में कैद रहेंगे? उकता गए हम उन पंडितों से और पाखंडियों से जो के शौक ऐसे मनाते हैं जैसे उनके अपने बाप मरे हो। हम जानते हैं वो मन ही मन में खुश हैं कि श्रीमंत नहीं रहे और अब वो हमें अपनी उंगलियों पे नचा सकेंगे। दुनिया की रीत है श्रीमंत। अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग, चाहे झूठे ही हों, शौक मनाने आते हैं। हमें नहीं चाहिए वो सब कुछ। हम वो चेहरे नहीं देखना चाहते जो झूठे हैं। हमारा घोड़ा निकलवाइए, हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। श्रीमंत सरकार की जय हो। महारानी बाई सरकार पधार रही हैं। आप यहां क्यों हैं? आपको अंदर महल में होना चाहिए। हम थक गए हैं साहब, हम अब
श्रीमंत ने जिन मर्यादाओं का पालन किया है आपको भी वही करना चाहिए। हम नहीं कर सकेंगे आई साहब। हम अब घुड़सवारी करने जा रहे हैं। श्रीमंत रुकिए, ये बाई सरकार का आदेश है। जानते हो घोड़े पर देखकर पुणे वाले और दरबार वाले क्या कहेंगे? पिता को गुजरे 15 दिन नहीं हुए और बेटा सैर कर रहा है और आपको आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन है माधव? हम किसका मुंह देखेंगे रे? विश्वासराव को भगवान ने उठा लिया, श्रीमंत को भी। उन बातों को याद मत कीजिए, आप पधारे, श्रीमंत माधवराव कहीं नहीं जाएंगे, मैं जो हूं। सही कह रही बाई सरकार, कौन सा पहाड़ अशोक का जो उन पर नहीं टूटा? फिर आप पेशवा हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्या हो रहा है वहां? पंडितों का युद्ध चल रहा है, शास्त्रार्थ हो रहे हैं कि आप कब गद्दी पर बैठे हैं, यानी गद्दी कब तक खाली रह सकती है नक्षत्रों की आड़ लेकर कि जिससे उनका राज चलता रहे। मत दीजिए उन्हें अवसर कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएं। ये पंडित हमें गद्दी पर बैठने से रोक सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मैं ब्राह्मण हूं, जानता हूं हम ब्राह्मण पंडित जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है। हमें आगे खड़ा करके वो किया जा सकता है जो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। फिर बनारस से पंडित क्यों बुलाए? हमें बताया गया है। सही बताया है। मैं नहीं चाहता कि आपको गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए जब ज्योतिष की चौपड़ पर कौड़ियां फेंकी जाएं तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना हो। नहीं चाहता मैं। पंडितों से ताजपोशी की शुभ घड़ी 6 महीने बाद की निकलवाई जा सकती है। शंका पैदा की जा सकती है कि आपका गद्दी पर बैठना शुभ नहीं है। आपको तो हमारा फडणवीस होना चाहिए। हम गद्दी पर बैठेंगे और आप हमारे फडणवीस होंगे। ना फडणवीस। प्रणाम श्रीमंत। श्री माना जी फड़के आपके दर्शन करना चाहते हैं। भेज दो। जो आज्ञा। श्रीमंत की जय हो। आओ फड़के, आओ बैठो। बैठो। हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलवाया है, अब हमें नहीं लगता कि हम कामयाब हो पाएंगे। माधवराव का राज्य अभिषेक रोकने में या ज्यादा देर लगाने में। कैसे श्रीमंत? बनारस के पंडित जिन्हें बाला जनार्दन ने यहां बुलवा लिया है, बहुत आगे की सोचता हूं मैं, बहुत आगे की। अगले 5 साल की पेशवाई जो चलानी है मुझे। वैसे एक बात बताओ, दरबार में कितने सरदार हमारे साथ हो सकते हैं? श्रीमंत, आप जिनसे कहें बात की जा सकती है। कहा जा सकता है कि अगर वो हमारा साथ दें तो उन्हें ये इख्तियारात दे सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा कल आना।
लेकिन मुझे आपसे एक काम और भी है। क्या? आगरा और अजमेर की सूबेदार की बात है। महाजी सिंधिया की तरफ से? नहीं श्रीमंत, है कोई जो 30 लाख देने को तैयार है? कौन है वो? कोई भी हो सकता है, शायद मैं हो सकता हूँ। ऐसे कैसे मान सकता हूँ? महाजी सिंधिया का फैसला अभी दरबार में होना बाकी है। अगर उसे वारिस नहीं माना तो दरबार वाले मिलकर उसकी सारी सूबेदारी नीलाम करना चाहेंगे। यही मैंने भी यही कहा था उससे, पर उसने कहा अगर अंदर ही अंदर चुपके से बना दें तो रकम आपको मिल सकती है। मुझे? आप बना दें, आपको देगा। अगर नीलामी हुई तो आपको क्या मिलेगा? तो मैं चलूं? महाजी का कोई रिश्तेदार है चाहे दूर ही का हो? नहीं श्रीमंत, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई ऐसा हो रानो जी के वारिस बनने का दावा करें। रानो जी के 5 बेटे थे, 4 मारे गए, 1 रह गया। वही वही जो रह गया ना, उसके मुकाबले कोई वारिस बनने का दावा करे तो हम झगड़े की आर लेकर सारी की सारी सूबेदारी किसी तीसरे को दे देंगे। हाँ, युक्ति बहुत अच्छी है, आसान भी है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो जाओ, जाकर पैदा करो किसी को। ऐसा होता तो परवाह ना देता। देखूंगा, अगर कोई असामी मिली तो। जाओ। आज तो जी खुश कर दिया। क्यों? मेरे राजा भी सोचने लगे। मेरे साथ सोचोगे ना, सच बन जाओगे जो बनना चाहिए तुम्हें और जो बनाना चाह रही हूं मैं। बनोगे ना? जी कैसा है? सफर में थकान तो नहीं हुई ना? नहीं, ठीक हूं। महाजी का लश्कर देखा? देखा। तुमने जो मदद की और कर्ज दिया काम आएगा? बिल्कुल फ्रांसीसी ढंग से लश्कर की तरबियत की है। हमारा लश्कर साथ हो जाए तो मेवाड़ के राजाओं से चौथ वसूल कर लेंगे। पुणे से कोई खबर आई? आपके दूत ने भेजी है। वहां राघोबा और माधवराव जी के बीच में रस्सा कशी चल रही है। कह रहा था कि माधोराव की गद्दी नशीनी होने वाली है। रख लो। अच्छा है, माधोराव जी पेशवा बन जाएं तो रुका हुआ खरीता आ जाएगा, हमारी जागीर मिल जाएगी। कोई और आया था तोपे ढलवाने के लिए? आपने किसी को बुलाया था?
नहीं, अब हम भारी तोपे नहीं ढलवाएंगे। महाजी के पास हमने हल्की तोपें देखी, जिन्हें ऊंटों पर ले जाया जा सकता है। हम भी वैसी ही तोपें बनवाएंगे। फिर उनसे कहिए कि वो हमें वो तोपे दिखा दें, अपने लिए बनवा लेंगे और उनके लिए भी, रकम बाद में ले लेंगे। ठीक सोचती हो अहिल्या, हमारे हाथ कट गए, खांडे राव नहीं रहे, तुम अकेली हो, मुझे महाजी सिंधिया का साथ देना होगा। आप उदास क्यों होते हैं अहिल्या? इससे बड़ी क्या तकलीफ हो सकती है कि सब कुछ हो और वारिस ना हो। अब्बा साहब, मानने लगी हूं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये जो जिंदगी है ना, उसमें भगवान साथ हो तो कोई ना कोई साथ हो ही जाता है। तुम्हें महाजी पर विश्वास है? मालवा में अफगान भी रहते हैं जो तोपे बनाने का काम करते हैं। आप उनकी दुख में मदद भी कर चुके हैं, आपके लिए वो जान भी दे सकते हैं। ठीक कहती हो अहिल्या, वो रिश्ते जो दुख की आग में पकते हैं बहुत देर तक और दूर तक साथ देते हैं। महाजी की हम मदद करेंगे। आदरणीय प्रजा पालक, प्रजा रक्षक, अति उदार, विशाल हृदय श्रीमंत माधवराव श्री पेशवा जी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की। आप लोग विराजिए। दरबार की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दीजिए। इजाजत है श्रीमंत। आपकी तख्त नशीनी के बाद पेशवा दरबार के सरदार आपकी सेवा में कुछ नजराने पेश करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं चाहेंगे। काका साहब, अभी हम छोटे हैं, आप सब हमसे बड़े हैं। आप तो हमारे काकाजी हैं, पूजनीय हैं। हम आपको और आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहते। आपके नजराने कबूल, हमें तो आपकी वफादारी और आपका आशीर्वाद चाहिए। पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की, पेशवा जी महाराज की। श्रीमंत की कीर्ति सूर्य की तरह चमके। आज हमारा पहला दरबार है। हम चाहते हैं जिसको जो फरियाद करनी हो वो कर सकता है।
आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? श्रीमंत, मैं अपने स्वामी महाजी सिंधिया का दूत हूं। मेरा नाम अंबाजी इंगले है। मैं उनकी तरफ से बधाई और नजराने पेश करना चाहता हूं। पांडोबा अत्रे क्यों नहीं आए? श्रीमंत, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने महाजी सिंधिया की इजाजत से मुझे यहां भेजा है। अब महाजी सिंधिया सेनापति नहीं है, इसलिए उनका नजराना कबूल नहीं किया जा सकता। तुम भी उनके दूत नहीं माने जा सकते। तो फिर श्रीमंत पेशवाजी महाराज से मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे एक फरियादी माना जाए और मेरी फरियाद सुनी जाए। माना, बोलो। स्वर्गवासी पेशवाजी महाराज की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो। बड़े न्यायी थे, इसलिए उन्होंने मेरे स्वामी से सिर्फ उस वक्त तक के लिए अधिकार लिए थे जब तक कि वो स्वयं आकर ये न बता दें कि पानीपत की लड़ाई के बाद इतने महीने वो कहां रहे, उनकी सेवा में हाजिर क्यों नहीं हुए। हम जानते हैं श्रीमंत, मेरे स्वामी घायल होने के बाद अब ठीक हो गए हैं और अब ऐसी अवस्था में हैं कि स्वयं हाजिर होकर ये सिद्ध कर सके कि वो विश्वास और सम्मान दोनों के अधिकारी हैं। ये बहस करने का अवसर नहीं है अंबाजी इंगले, ये श्रीमंत पेशवा जी के तख्त नशीनी का दरबार है और आज ये दरबार श्रीमंत पेशवा जी के दर्शनों और उनके प्रति निष्ठा दिखाने के लिए है। ये छोटी छोटी बातें उठाने के लिए नहीं, तुम्हें दरबार की जाब्तों और उसकी मर्यादा का कुछ ख्याल होना चाहिए। सत्य वचन श्रीमंत, दरबार में कभी भी कोई बात किसी अनजाने आदमी की मार्फत नहीं उठाई जा सकती। फिर यह मामला विरासत का है श्रीमंत। कोई और है जिसने महाजी के खिलाफ वारिस होने का दावा किया? श्रीमंत, कोई भी मराठा इतना खुदगर्ज और लालची नहीं है कि जिस वक्त पूरा महाराष्ट्र हमारे भाऊ और आपके पिता के शोक में डूबा हुआ है और आज जब आपके सम्मान में नतमस्तक है, अपने छोटे निजी स्वार्थ की बात भी सोच सके। श्रीमंत, आज का दरबार मराठा राज्य के भाग्य और भविष्य के संधि स्थल पर खड़ा है। कल ही हम पर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन आज हम आपकी ओर देख रहे हैं और जब हम आपकी ओर देख रहे हैं तो निजाम हैदराबाद हमारे राज्य की ओर बुरी निगाह से देख रहा है। हम उसे देखेंगे या इस मामले पर गौर करेंगे? सबका एक ही विचार है, हमने आपकी फरियाद सुन ली, हम जरूर ध्यान देंगे, लेकिन आज नहीं, ऐसा हमारे दरबार का फैसला है। हमें आसार कुछ अच्छी नजर नहीं आ रहे। मुझे भी कल के दरबार से लग रहा है कि साजिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। जो छोटी उम्र के हैं वो कम उम्र के पेशवा के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें शुबा है बाला जनार्दन पर, जिसे फडणवीस अपना मुंशी बना लिया। कल तुमने देखा क्या? कल जब हम दरबार में अड़ गए थे और माधवराव ने हमारी बात मान ली थी, उसने नाना की तरफ देखा, जब उसने इशारा किया तब माना। आपका मतलब बाला जनार्दन फडणवीस नहीं सलाहकार है? हमने उस दिन बात की थी सिंधिया जागीर के वारिस की, किसी को खड़ा करो। ये अचानक आपको कैसा ख्याल आया? अब हम महाज जी की नहीं माधवराव की बात कर रहे हैं। वो अपनी चलाना चाहता है और अगर उसकी पहली बात चल गई तो और चलाएगा। हमें उसकी पहली बात को ही काटना होगा, जिस तरह उज्जैन में चिमनाबाई ने श्रीमंत पेशवा के सामने अपना मामला पेश किया था। अब उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं जो महाजी के खिलाफ आवाज उठा सके। वैसे विरासत पे तो हक जानको जी का है ना, क्या जानको जी की बात नहीं उठाई जा सकती? जानको जी की बात तुमने सुना नहीं? सदाशिव राव के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? क्या
कहते हैं कि वो मरे नहीं, जिंदा हैं, साधु बनकर घूम रहे हैं। मैं समझा नहीं। जान को जो कभी मरते हुए किसी ने नहीं देखा, उसे भी जिंदा समझा जा सकता है। हो सकता है। श्रीमंत की जय हो। गणेश राव, तुम तो पानीपत में मारे गए थे ना, तुम्हारी तो अंत्येष्टि भी हो गई थी। सैकड़ों ऐसे लोग हैं श्रीमंत, जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया, हालांकि वो कैद में थे या घायल थे, अब आ रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरे साथी। तुम्हारे साथी? हम 70 थे श्रीमंत, 65 ही वापस आ पाए। तुम्हारे साथ हमारे सरदार या खानदान की कुछ खबर? नहीं श्रीमंत, सारे बड़े सरदार काम आए। सिंधिया सरदारों के बारे में कुछ सुना? वे तो सब मारे गए, बस सुना है जान को जी जिंदा पकड़े गए थे, फिर मालूम नहीं उनका क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जान को जी मारे नहीं गए, ये बात सच है? सच क्या है, ये तो भगवान ही जाने श्रीमंत। लोगों ने खुद हमारे बारे में भी कह दिया था कि हम मारे गए, जबकि हम जिंदा हैं। गणेश राव, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा वापस आ गए। अरे तुम तो अटक तक हमारे साथ गए थे, हम जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, तुम फिर आना। श्रीमंत की जय हो। जिन्हें मुर्दा समझ लिया गया था वो आ रहे हैं, फिर तो जान को जी भी आ सकता है। ये कहकर महाजी का मामला रुकवाया जा सकता है। आप ऐसा कहकर बात चलने ही ना दे। इसे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जान को जी मर गया है। लेकिन जान को जी वो कौड़ी है जिससे बाजी खेली जा सकती है। तुम वो सिंधे की जागीर खरीदने वाली 40 लाख के असामी को थामे रखना। हम तो सोच ही रहे हैं, तुम भी सोचो। अरे विशाल जी माने तुम? बैठो। तुम कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई। दरबार में क्या हुआ, कुछ बात बनी? बन तो जाती, पर लगता है नए पेशवा महाजी को सूबेदार बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं पेशवा जी जिस पांडवात्रे को अपने पास रखे हैं वो महाजी का दूत है। बरोबर, उसी ने दरबार में नजराना और अर्जी पेश करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? रघुबा दादा ने रुकवा तो दी, लेकिन मामला फिर उठेगा, तब कैसे रोकेंगे, मसला ये है। अरे तुम तो जानको जी के कारकुन रहे हो ना? पूरे 6 बरस। क्यों? बस अब एक जानको जी हैं जिनकी बात उठाकर महाजी की सूबेदारी रुकवाई जा सकती है। कि वो मरे नहीं और पानीपत में किसी ने भी उन्हें मरते भी नहीं देखा। बरोबर, 6 साल से जासूसी जो कर रहे हो उसने तुम्हारी अकल तेज कर दी है। माने अगर ये साबित कर दिया जाए या खबर ही फैला दी जाए कि जानको जी जिंदा है, तो पेशवा महाजी को सूबेदार नहीं बनाएंगे, तो फिर रघुबा दादा या तो सीधे या नीलामी में
मुझे आगरा और अजमेर की सूबेदारी दिला देंगे। आप एक बात बताइए, आपके लिए रघुबा दादा मान गए ना? क्यों, पहले आप ये बताइए। मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कह दिया है कि सिंधिया की सूबेदारी के 30 लाख मिल सकते हैं। वो तैयार हो गए, मुझ पर उनको विश्वास है। और फिर आनंदी बाई और मेरी पत्नी सहेलियां हैं। तो समझिए काम बन गया। कैसे? आप मेरे साथ आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन कुछ बताओ तो। जानको जी जिंदा है ये कहा ही नहीं, दिखाया भी जा सकता है। मैं दिखाऊंगा, आइए। कहां? मैं जासूस हूं, मेरा विश्वास कीजिए, आइए। पेशाजी माने, तुम जिस आदमी को दिखाने मुझे लगा रहे हो, वो आदमी है कौन? मिठल जी छोरा तो उसका नाम है, बैलगम की तरफ का एक मामूली आदमी है। बीवी को छोड़ रखा है, यहाँ उसका कोई नहीं है, लेकिन देखोगे तो हैरान रह जाओगे। आपने जनको जी को तो देखा है ना? हाँ, एक दो बार, मगर शक्ल याद है। बस तो समझिए आपका काम हो गया। आप कहते थे जनको जी जिंदा हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, अपना हक मांगकर महाराज जी का हक रुकवा सकते हैं। बस ये काम वो आदमी कर सकता है। अच्छा, चलो देखते हैं। चलो। जानको जी, क्या दो आदमी इतने एक जैसी शक्ल के हो सकते हैं? मैं जानको जी का 6 साल कारकुन रहा हूं, मैं खुद चकरा गया। दिमाग में वही ख्याल आया जो अब आप सोच रहे हैं। हाय जानको जी, क्या पानीपत से बचकर आ गए या कैद से निकलकर भटक रहे हैं? कहीं चोट लगने से या सदमे से यादाश्त तो नहीं होगी? क्या कहा, यादाश्त? हाँ, यानी अगर इसे जानको जी बनाकर पेश किया और बातचीत में पूरा नहीं उतरा तो कह देंगे कि दिमाग पर असर होने से यादाश्त जाती रही। नहीं, इसे तब कोई जानको जी नहीं मानेगा, कह देंगे कोई हम शक्ल है, उनसे मिलती जुलती शक्ल का कोई दूसरा आदमी है। तो इसे सिखाना पड़ेगा, तरबियत देनी पड़ेगी, जानको जी की सब बातें बतानी पड़ेंगी, उनकी चाल ढाल बर्ताव उन कैसा करना पड़ेगा। वाह, ये काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा। ये हाँ, मैं ही करूंगा। जानको जी का क्या है जो मैं नहीं जानता? क्या बात है, क्या लोगे सबका? ये क्या लेगा, मैं क्या लूंगा, आप क्या लेंगे और रघुबा दादा क्या लेंगे, ये सब तो तय करने की बात है। तो तय कर ले। नहीं, पहले रघुबा दादा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये झूठ उनकी मदद के बिना नहीं चलेगा। जरूरत आपकी है, उनकी भी है, कह दीजिए 30 लाख की आसामी आप है। तुर्प की दुग्गी ये है और इसे क्या बनाने वाला मैं हूं। क्यों, चलिए। सोच कर रहे हो भड़के, खेल खेलो,
फैला दो ये अफवाह कि जानकू जी जिंदा है। पेश करो ये दावा कि सिंधिया का असली वारिस वही है। ये जो हमारा भतीजा है ना पेशवा, वो सिंधिया और होलकर के लश्कर को बुलवाकर हमारी ताकत कम करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। थोड़ा खड़ा करेंगे जिस तरह रावण ने खड़ा किया मरीच को सोने का हिरन बना के। लेकिन ये झूठा दावा क्या दूर तक चल पाएगा? ना चलने दो। अब अगर महाजी को सुबेदारी मिल गई तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं, और अगर रुक गई तो तुम्हें मिल सकती है। जाता कुछ नहीं फड़के, हाँ मिल बहुत कुछ सकता है। ठीक है, मैं विसाजी माने को इस काम पे लगाता हूं, लेकिन तुम मुझे बीच में नहीं लाओगे, सिर्फ रुपए दोगे, और विसाजी माने उसे तैयार करेगा। इस बीच जोर शोर से अफवाह फैला दो कि जानकू जी जिंदा है। दरबार में और महल में मैं यही जाहिर करूंगा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैंने विसाजी माने से आपके बारे में बात की थी, कहा था आपसे बात करेंगे। कह दो कि बात नहीं की, खतरा है। बड़े लोगों को ऐसी साजिश में शरीक नहीं करते। चुपचाप काम करेंगे और चुपचाप फायदा उठाएंगे। और हां, सिखा पड़ा कर पहले देख तो लो कि थोड़ा बातचीत में, चाल ढाल में जानकू जी सा है भी या नहीं। ठीक है, यही कहूंगा। इससे उसकी जबान भी नहीं खुलेगी और रुपया मिलते ही जी जान से अपने काम पे लग जाएगा। लेकिन अफवाह अभी। माधवराव जरूर पूछेगा कि सिंधिया और होलकर का लश्कर क्यों नहीं बुलवाया, तभी अफवाह काम आएगी। श्रीमंत विश्वास रखें, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा। पहले अपने इस पेशवा भतीजे से निपट लूं और हैदराबाद के निजाम को हरा दूं, उसके बाद पेशवा की पगड़ी होगी मेरे सर पर और तब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, और तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। पेशवा बालाजी बाजीराव का स्वर्गवास हो जाने के बाद पुणे के अंदरूनी हालात बिगड़ते देखकर निजाम हैदराबाद एक बार फिर सर उठाता है और अपना लश्कर लेकर पुणे की तरफ रवाना होता है। ज्ञानी दानी, दयालु कृपालु, प्रजापालक, राज राजेश्वर, श्रीमंत माधवराव जी पेशवा दरबार में पधार रहे हैं। बैठिए, कार्यवाही शुरू की जाए। श्रीमंत, अचानक एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमने निजाम हैदराबाद को हराया। संधि के मुताबिक उसे किले और खिराज देना थे, लेकिन पानीपत के हालात से फायदा उठाकर न सिर्फ उसने शर्तें तोड़ी बल्कि एक फौज तैयार करके पुणे की तरफ बढ़ रहा है। उसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जरूर दीजिए, उन्हें सबक सिखाइए। उन्हें सबक सिर्फ आप सिखा सकते हैं, सेनापति आप होंगे। विश्वास कीजिए श्रीमंत, स्वर्गीय भाव ने उदगीर में निजाम से घुटने टिकवाए थे, हम तो उसके घुटने ही तोड़ देंगे। आपकी छत्र छाया में उसे ऐसा कर देंगे कि ना वो उठ सके ना सर उठा सके। आप सहमत हैं? जी हां श्रीमंत, आपका फैसला हुक्म है। श्रीमंत काका साहब,
आप कितना लश्कर ले जाना चाहेंगे? 60-70 हजार। निजाम के पास वो तोपखाना है जिसे इब्राहिम खान गार्दी ने तरबियत दी थी। हमारे पास मुकाबले का तोपखाना है जिसे स्वर्गीय पेशवाजी नर्मदा तक ले गए थे और अब वापस आ चुका है। तब सब सरदारों को हुक्म देते हैं वो अपने अपने लश्कर लेकर कूच के लिए पड़ाव पर पहुंचे। कोई सवाल? नहीं श्रीमंत, आपके हुक्म की तामील होगी। श्रीमंत काका साहब, तामील कराइए जल्द से जल्द। तामील होगी श्रीमंत। इंदौर और उज्जैन खबर भिजवाइए, वो भी अपने अपने लश्कर लेकर हाजिर हों। आपके पड़ाव में हम उन्हें भी देखना चाहते हैं। उसे कसकर बांध देना हाँ, अच्छी तरह। इस पर कपड़ा जरूर रख देना हाँ। नहीं नहीं, वो कपड़ा उसमें चाहिए। ये गिन लिए? जी हाँ। कितने हैं? 5। नमस्ते माँ जी। जीती रहो। मेरी थालियों में सारा सामान सजा दिया है, महत को बता देना। जी माँ जी। अच्छा, पंडितों के लिए सामान तैयार। जी सुनिए, क्या ये नहीं हो सकता कि आप अभी ना जाएं, पंडितों से कोई बात की तिथि निकलवा लें? नहीं जमना, होलकर जी महाराज ने साफ कहा है कि दशहरे के बाद नर्मदा का पानी कम होते ही हमें चौथ वसूल करने के लिए चढ़ाई कर देनी चाहिए। क्या हुआ? मेरा जी घबराता है। ये बताइए, आपके पास लश्कर कितना है? लड़ाई अगर लश्कर की गिनती से जीती जाती तो हम पानीपत में जीत चुके होते। मैं जान गया हूं जमुना कि हार से कैसे बचा जाता है और जीत को कैसे अपनी मुट्ठी में रखा जाता है। मैं जान गया हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। नहीं, राजपुताना में हम होंगे, जिनसे चौथ वसूल करनी है वो होंगे और हमारी हिम्मत होगी, लेकिन महिलाएं हमारे साथ नहीं होंगी। तुम जानती हो जमुना, पानीपत में हारने का एक कारण क्या था? तुम जानती हो? हमारे साथ महिलाएं थी। मत कहो साथ लेकर जाओ, कहो साथ लेकर आओ। जी कीर्ति, सिंधियाओं के नाम और विरासत की सनद। मत देखो इन पिघला देने वाली निगाहों से, तुम्हारी ये आंखें मुझे हमेशा याद रहेंगी। जब भी जाऊंगा याद रखूंगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और जब भी आऊंगा वापस आऊंगा। पंडित हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो। प्रणाम। नमस्कार पंडित जी। बैठो बेटी। प्रणाम माँ। प्रणाम। पंडित जी, ये सब आपके लिए है। धन्यवाद, माँ भैरवी का आशीर्वाद है। शुभ मुहूर्त में जाएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, विजयी होकर लौटेंगे आप। धन्यवाद पंडित जी। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव।
जी के लिए प्रसाद भेज रही हूँ, उन्हें दे दीजिएगा। सारी दवाइयां अपने पास रखना और समय से खिलाना बिलाना का। जो आज्ञा। सेनापति हैं आप, पर दवा खाने के समय बिल्कुल नहीं। ये देंगे, आप खाइएगा। खाऊंगा बेटी, खाऊंगा, वचन देता हूं। और दो बातें, बराबर खबर भेजेंगे, और जरा भी तबीयत खराब हो तो आप वापस आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मैंने महाजी को लिख दिया है, ये चिट्ठी आप खुद उन्हें देंगे, इसमें उन्हें इख्तियार है, तबीयत खराब हो तो आपको वापस भेज दें। तो मैं चलूं? कहिए, लौट कर आऊंगा। महादेव बाधाएं दूर करें, भवानी रक्षा करें, विजयी होकर लौटो बेटे। इन्हें हमेशा अपने पास रखना, पहले की तरह। ओम नमो शिवाय। इस पर हाथ रखिए, मैं मंसूर शाह बाबा को भेजूंगी दरगाह पर दिए जलाने के लिए। माँ साहब का और अपना ख्याल रखना। जी, मैं जल्द ही आऊंगा। महाराज, कूच का समय हो गया है, आप प्रस्थान करें। नमस्कार। जी सिंधिया बाप, चिमना बाई मां, मां जी गांव का नाम श्री गोंदा, कुलदेवी खांडोबा, जिसका मंदिर जेजोरी में, गांव के पास कोर नदी, जहां पे एक इमली का पेड़ है, बारिश में उस पेड़ के पास से नदी को पार किया जा सकता है। घोटा लगा रहे हो विट्ठल जी? थोड़ा लगा लिया। बहुत पक्का हूं इस काम में। बहुत अच्छा। असल में पहले उधार लिया करता था ना, इसीलिए याद रखता था।
किससे कितना लिया, कब लिया और कब नहीं दिया और आगे कब लेना है। अच्छा तो अब ये बताओ, जानको जी का गांव श्री गोंडा, सिंधिया परिवार का कुल देवता खांडोबा, उनका मंदिर चिजोरी में, आज पेशवा दरबार में खड़ा कर दो, साबित कर दूंगा कि मैं ही जानको जी हूं, फिर देखना बन जाऊंगा आगरा और अजमेर का सूबेदार। तुम इतने सपने मत देखा करो सूबेदारी के, हैं? अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, अपनी बोली से पकड़े जाओगे। परसों तुम बात करते करते ऐसे मराठी बोलनी शुरू कर दी जैसे तुम्हारे गांव करौंजे में बोलते हैं, जबकि जानको जी कभी करौंजे नहीं गए। देखो बहुत कड़ा इम्तिहान है, पूरा पेशवा दरबार तुम पर टूट पड़ेगा। बराबर, तो तुम क्यों नहीं बन जाते जानको जी? मैं बन तो जाता अगर ये थबड़ा तुम्हारे नहीं मेरे घर पे होता। अब मेरे साथ तुम उज्जैन चलो। मेरा जुलूस निकालोगे वहां उज्जैन में? तुम्हें दिखाना है कि जानको जी कहां रहते थे, उनकी ड्योढ़ी, बाड़ा, मंदिर, बाजार, अस्तबल। अस्तबल? ये अस्तबल कहां से आ गया? मराठा सरदारों को अपनी हवेली में दो ही जगहों का पता होता है, एक उनका रनबास जहां उनकी रानियां रहती हैं, दूसरा अस्तबल जहां घोड़े होते हैं। रानियां नहीं दिखाओगे? अपनी तो छोड़ दे, अब जानको जी का रनबास देखोगे, उनकी पत्नी जिंदा होती तो तुम्हारी खाल खिंचवा देती। मैं तुम्हें कहां से बताऊं कि वो अपनी पत्नियों से क्या क्या करते थे। उनकी किसी दासी को पकड़ लो, जैसे तुमने मुझे पकड़ा है, वो बता देगी कैसे रहते थे रानियों और रखैलों के साथ। मैं विठल जी थोरात, वाह तुम्हारा तो दिमाग चलने लगा है, चलो उज्जैन चले, वो भी जान लेंगे जो मैं नहीं जानता। चलो